स्नैक टाइम। मैं सुबह से इसका इंतजार कर रहा था। जरा इसे देखो तो सही, मैं ये मजे से खाऊंगा। मेरे पास एक आइडिया है, पेंसिल केस खाली कर देता हूँ और इसे कैंडी से भर लेता हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा वहाँ क्या हो रहा है। बस यही नहीं, मुझे अपनी नोटबुक चाहिए। मैं बहुत तेज हूँ, मैं इसके अंदर अपनी कैंडी डालूंगा। यमी गमी वर्म्स। कुछ ठीक नहीं है। ये तैयार है, और अब क्या करें? एक क्रंची कुकी। ओह या, दिलचस्प है। इसे इसमें डाल देता हूँ। मजा आ गया। रुक जाओ दोस्त, तुम्हारे पास यहाँ क्या है? कैंडी? मैं जानती थी। ध्यान दो क्लास, और नोट्स लिखना मत भूलना। हाँ हाँ बिल्कुल। बोरिंग है। मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, मुझे खाना चाहिए। शुक्र है मैं तैयारी के साथ आया था, मेरे पास टेस्टी चिप्स हैं। मुझे यही चाहिए था। हाँ, क्या ये मैंने किया? उप्स, मेरी गलती है। सोचो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे शांत रहना होगा, बस ये टीचर ना सुन ले। ये आवाज कैसी है? चिप्स मुझे दो। क्या ये कोई मजाक है? हे ये देखो। क्या है? मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगा, ये मेरा नया कैलकुलेटर है। मुझे तो बहुत पसंद है। वो ये खा रही है? वाह ये बहुत टेस्टी है। ये पागल है। रुको मेरे पास एक आइडिया है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। लैपटॉप के पीछे छिपा लेता हूँ। हाँ तुमने क्या कहा? यमी। कैसे हो आप? कब से यहाँ हो? ये मुझे दो। अगली बार कोशिश करना। मैं अपना लैपटॉप निकालती हूँ। हाँ ये अलग लग रहा है। ये लेटेस्ट मॉडल है ना? हाँ। इसमें खास अपग्रेड्स है, जरा इसे देखो। वो चॉकलेट्स। उप्स माफ करना, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे दो मुझे दो। मैं नहीं दूंगी, ये इतनी अच्छी है, मैं शेयर नहीं करूंगी। तुम मानोगे नहीं आगे क्या हुआ। अभी मैं काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, इतनी बातें कर मुझे भूख लग गई। हाँ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे पोटैटो चिप्स बहुत पसंद है। हाँ तो तुम एक ले लो। वो आराम से, मैंने एक बोला था। बहुत अच्छे हैं, कमाल है। क्या ये सच है? बस एक ही बचा है, कितनी गलत बात है। मैं ये खाना चाहती थी। बहुत गलत है। यम्मी चॉकलेट। नहीं दोबारा नहीं, प्लीज एक बाइट दे दो, बस जरा सा। एक बाइट ही लेना समझे? बिल्कुल। मेरा चॉकलेट बार ये भी खा गया। तुम ये कैसे कर सकते हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कम से कम मेरे पास मेरा सोडा है, बस ये वो ना देख ले। आह ताजगी भरा है। ये क्या? क्या ये कोई मजाक है? ये ऑरेंज है। कोई हैरानी की बात नहीं है, अब मैं क्या करूं? जरा रुको, अब एक ही चीज हो सकती है। उम्मीद है ये काम करे। मैं कैंडी रैपर खोलती हूँ, अब इसे बॉक्स में डालेंगे। अब मुझे पेंसिल्स चाहिए, इन्हें वापस बॉक्स में डालेंगे, इससे कैंडी छिप जाएगी। ये तैयार है। मुझे अभी भी भूख लगी है, काश और स्नैक्स होते। जल्दी करना होगा, रैपर को बॉक्स से निकालेंगे। हाँ ये क्या था? तुम कैंडी छिपा रही हो? जरा इस स्टिकर देखो, इसे फेंक देना चाहिए। मुझे अपनी कैंडी चाहिए, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरी फेवरेट। मैं इन्हें छिपा लेती हूँ, मैंने अपने टॉप पर चिपका लेती हूँ इस तरह। सारी लगा ली, अब इसे बालों से कवर कर लेंगे। ये परफेक्ट है, चलो क्लास में चले। हाय मैं अंदर जा सकती हूँ? पहले चेक करना होगा कैंडी तो नहीं है, ध्यान रखना पड़ता है। सब ठीक है, चलो क्लास में जाओ। फ्रीज। नहीं मेरे बाल, ये तुमने क्या किया? ओह रुको, ये तो एक विग है, बाहर आ जाओ। और ये कैंडी निकालो, ये अंदर नहीं ले जा सकते। बहुत स्वादिष्ट है, और अब ये मेरी है। ओह मुझे लगा था ये काम कर जाएगा। जरा रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। चेस पीसेस को निकाल देंगे, हमें ये नहीं चाहिए। अब मुझे चॉकलेट बार चाहिए, बस थोड़े से चेंजेस करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये चेस पीस की तरह दिखे। बढ़िया लग रहा है, मुझे पता नहीं था चेस भी इतनी मजेदार हो सकती है। मैं एक पीस लूंगी, मुझे ट्रीट मिलनी चाहिए। ठीक है चलो चले।
एक्सक्यूज मी, वो यही रुक जाओ। चेकमेट, मैं चेस बोर्ड में जीनियस हूँ। रुको, ये तो चॉकलेट है। मुझे ये सोडा क्लास में छिपा कर ले जाना होगा, और मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। इन्हें साथ में टेप से जोड़ लेंगे, इतना काफी है। अब इन पर स्ट्रैप लगाएंगे, बॉटल के आसपास लेबल लगा लेंगे, बस ये असली दिखना चाहिए। मुझे तो ये बढ़िया लगा। अब चिप्स की बारी है, इस तरह बैग्स को साथ जोड़ लेंगे और कुछ फिनिशिंग टचेस देंगे। ये पहन लेते हैं, मैं स्कूबा के लिए तैयार हूँ। चलो चलें, मैं अच्छी लग रही हूँ तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब साइड हो जाओ। हे, वो अंदर कैसे जा सकती है? मैं कुछ मदद करूँ? मैं डाइविंग करने जा रही हूँ, तो बिल्कुल जाओ। तुमने देखा, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अब मैं ये पी लेती हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत भूख लगी है। डोनट्स की खुशबू। हे मिंडी, ब्लू फ्रॉस्टिंग, ये मुझे दो। मेरा डोनट। अब ये मेरा डोनट है, मुझे कोई पछतावा नहीं। मैं ये नहीं होने दे सकता। रुको, मेरे पास एक प्लान है, शायद इसमें कुछ हो। ये चल सकता है, मुझे इसे फुलाना होगा। अभी और भी काम बाकी है, मुझे इसका लेबल नहीं चाहिए। अब मुझे इसे काटना है, इसे आधा कर लेंगे एकदम आराम से। अब टेप की बारी, इसे नीचे के हिस्से में लगा देंगे। हमें बॉटल को कवर करना होगा, बस एक और पीस काम कर जाएगा। बॉटल का दूसरा हिस्सा ऊपर लगा देंगे। ये नहीं चलेगा, मुझे डोनट को छिपाना होगा। ये लेबल, मुझे इसकी जरूरत पड़ ही गई। लो, मेरा काम पूरा हुआ, ये जरूर काम करेगा। ये गेम बहुत बढ़िया है। तुम्हारे पास खाली सोडा बॉटल क्यों है? इसे तुम्हें फेंक देना चाहिए। क्या शॉट था? ये काम कर रहा है, उसे पता भी नहीं चला। मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं आराम से अपना डोनट खा सकता हूँ। कितना सुंदर है, वाह स्वादिष्ट है। हे, मैं स्नैक्स लाई हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो? तो ऐसा है, हाँ मैं बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ। खाने पीने की चीजें अलाउड नहीं है। क्या सच में? ये ठीक नहीं है, वो यहाँ जाएंगी। ओह, मुझे गुस्सा आ रहा है, वो कितना बुरा था। तुम ठीक तो हो मिंडी? अच्छा, मुझे बीमार होना बिल्कुल पसंद नहीं है। हे ध्यान से, रुक भी जाओ, कितना गंदा है, प्लीज रुको। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे डस्ट बदलना होगा। ओह, ये तो और भी बुरा है। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। नहीं, मुझे बॉक्स चाहिए, मुझे यही तो चाहिए था। कहाँ जा रहे हो? कितना जूसी बूगर है। ओह, मुझे स्नैक्स चाहिए। ओह, ये खाली है, मैं यही तो ढूंढ रहा हूँ। ये परफेक्ट प्राइम है। ठीक है, तो चलो करें। चिप्स को बॉक्स में डालेंगे, इसे पूरा ऊपर तक भरेंगे। बढ़िया लग रहा है, अब इसके ऊपर टिश्यूज रख देंगे। वो हिला मत। ओह, मुझे एक टिश्यू दो। फिर मैं आ ही गया। ओह, और टिश्यूज। मिंडी, जरा ये देखो। वो क्या ये चिप्स हैं? मैं थोड़ा ले लूं। मिंडी, क्या ये स्मार्ट है? मुझे उल्टी आ जाएगी, अब मुझे भूख नहीं है। एक सेकंड रुको, अपना बैग खोलो, ये ठीक नहीं है। कैंडी अलाउड नहीं होगी, मुझे अपना चॉकलेट बार नहीं खोना। हे, ऐसा मत करो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चॉकलेट पिघला ली, अब मुझे मेरी सनग्लासेस चाहिए। रैपर को खोलेंगे, चॉकलेट को निकाल लेंगे, इसे लेंसेस पर डालेंगे। अब इसके सेट होने का इंतजार करेंगे। चलो शो टाइम। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। क्या परेशानी है? कैंडी प्लीज, मुझे ग्लासेस दे दो। अब ये भी देना पड़ेगा। ओ माफ करना, मुझे पता नहीं था। ये हमारा सीक्रेट है, ठीक है? मुझे माफ करना मैम, अब स्कूल में कोई। ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। खुशबू अच्छी है, मुझे नहीं चाहिए। ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? क्या हो रहा है मिस? मुझे माफ कर दो। चिंता मत करो मिस, सब कुछ ठीक है। हाँ, सच में? हाँ, सच में मिस, सीधी रहो और कैमरा में देखो।
हम एक बार बात कर लेते हैं। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ मेरे जेल में कोई मेकअप नहीं। नहीं मेरा मेकअप। मेरे साथ चलो, ये तुम्हारा सेल है, मजे करो। अब मुझे थोड़ा मेकअप चाहिए। ओह नहीं, मैं अच्छी नहीं लग रही। मुझे कुछ चाहिए। ये भी काम करेगा। परफेक्ट, ट्राई करते हैं। मैं तैयार हूँ। हाय ऑफिसर, ये क्या हुआ? ये क्या है? ओ नहीं, अब मुझे ठीक करना होगा। मेरा फोन कहाँ है? टिमी उठाओ। टिमी, मुझे मेरा मेकअप चाहिए। ठीक है मेरी बहन। मैं तैयार हूँ। एमिली, हाय, क्या तुम ले आए? मुझे दो, मुझे दो। थैंक यू। काफी बेहतर है। थैंक यू टीमी। हाँ क्या? ओ नहीं, ओ नहीं नहीं नहीं। ठीक है, वो अभी भी सो रहा है, चलो चले। ठीक है, शुक्रिया। हाँ हाँ ओ हाँ, माफ करना, मैं एक पेंटिंग टीचर हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जरूर, तुम आ सकते हो। एमिली, हाँ, तुम कौन हो? एमिली, ये मैं हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो। हाँ, मुझे ये क्यों चाहिए होगा? ये तुम्हारी आंखों के लिए है। बाय बाय। थैंक यू। चलो दो कलर्स ट्राई करते हैं। बढ़िया। हाँ, मुझे भी ये चाहिए। बिल्कुल, अपनी आंखें बंद करो। थैंक यू। मुझे भी करवाना है। ठीक है। मजा आ गया। मुझे मेकअप चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। बिल्कुल, ये कैसा रहेगा? बढ़िया। ये मजे करो। थैंक यू। देखते हैं। हाँ, सिर्फ एक लिपस्टिक? सच में सिर्फ यही? हाँ ठीक है। परफेक्ट। हेलो, रिसेप्शन के लिए डिलीवरी। ओ, इसे यहाँ रख दो। ठीक है, शुक्रिया। आखिरकार, तो यहाँ पर क्या है? खैर, अब बेहतर है। एमिली, ये रहा तुम्हारा बॉक्स। थैंक यू। तुम बहुत क्यूट हो। आईलैशेस। वाओ, मुझे यही तो चाहिए। मैं तैयार हूँ। हाय हैंडसम, मुझे चाबी चाहिए। जरूर। थैंक यू। रिपोर्ट पर ध्यान दो। वन 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 टू, बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान दो, मेरे पास तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज है। आगे से स्कूल में कोई मेकअप नहीं।
लड़कियों। कैसे हाँ? अपना मेकअप मुझे दो। आज से तुम्हें मेकअप लगाने की इजाजत नहीं है। पर स्टीव मुझे मेकअप के बिना नहीं देख सकता। कोई खाना नहीं, कोई ड्रिंक्स नहीं, कोई मेकअप नहीं, ठीक है? ठीक है। हाँ, मैं लकी हूँ कि मुझे ये हैक पता था। इसलिए हम सांस लेते हैं। कोई खिलौना नहीं। बच्चे तुम मुझे पागल कर देते हो। नहीं। क्या हो रहा है? ओ नहीं। मुझे मेकअप करना होगा। क्या तुम्हें मेकअप चाहिए? ये लो। इसमें तो कुछ नहीं है। ये खाली है। हाँ ब्रो, मुझे नहीं मिल रही। वो मुझे मेकअप के बिना नहीं देख सकता। हेलो केसी, तुम लेट हो, बैठ जाओ। ठीक है। मुझे मेकअप चाहिए। वाओ, इतना सारा मेकअप, मुझे यही चाहिए। क्लास में कोई मेकअप नहीं, डिटेंशन। और अब तुम्हें ये सब ड्रॉ करना है। आखिरी टच। डिटेंशन। ओप्स। रुको रुको रुको, स्कूल में कोई मेकअप नहीं। काश स्टीव मुझे ऐसे बिल्कुल ना देख पाए। ये मेरा नहीं है, मुझे किसी ने फंसाया है। तुम अपने साथ मेकअप लेकर आए हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफाई करो यहाँ। हम यहाँ एक साथ रहेंगे। ठीक है। मुझे मदद चाहिए। चलो फिर ले ले। उठाओ। कैसी? मुझे मेकअप चाहिए। ओ, मैं आ रही हूँ। तुम कहाँ रह गए? हे कैसी? ले ले, पकड़ो। शुक्रिया। आखिरकार ये बढ़िया मौका है। करते हैं। मैं कराती हूँ। मुझे इसे छुपाना होगा। कैसे? तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? मैं यही बुक ढूंढ रही थी। रुको, क्या?
साफ करो। काफी बेहतर, मेरी नजर तुम पर है, साफ करो। ठीक है। स्टीव, मैं हाँ नहीं मानूंगी। पेंटिंग्स जरूर, मैं जानती हूँ कि क्या करना है। मुझे नया हेयर स्टाइल चाहिए। मैं बहुत होशियार हूँ। क्या? पर यहाँ तो सब साफ कर दिया था। ठीक है। ऊपसी। चलो काम तो हो गया। मैं तैयार हूँ। मैंने कहा कोई मेकअप नहीं। पर मैं सिर्फ खूबसूरत होना चाहती हूँ। रोज रोज होते हैं। मैं ये ले रही हूँ। आप मुझे नहीं रोक सकते। चलो इसे यहाँ रखें। ये बच्चे, ये एक्ट करने का समय है। वाह, मेरे कीमती। सोचना भी मत। टेंशन रूम से बाहर जाने के। ऐसी हालत में मुझसे कौन प्यार करेगा? वाओ, तुम कितनी सुंदर हो। स्टीव, मैंने कहा कि तुम सुंदर हो। पर मैंने मेकअप नहीं किया। ओह, ये तो और अच्छी बात है। तुम्हें पता है, चलो साथ में लंच पे चलते हैं। पर हम बंद हैं। हाँ, वो मैं देख लूंगा। ध्यान से। ठीक है मेरी जान। चलो चले। मेकअप, मैं ऐसे ही सुंदर हूँ। ठीक कैसे करूं? कोई मेकअप नहीं। ये क्या है? कोड रेड, कोड रेड, मुझे मदद चाहिए। मैं अभी आई। वो कहाँ है? ये मैं हूँ। डेज़ी, मैं मदद करती हूँ। थैंक यू। मेरा फर्स्ट था बहन। ओके बच्चों। मैं कर दूंगी। याइक्स। उप्स।
अपना मेकअप बॉक्स में डालो। ले, ये क्या है? ठीक है, तुम्हारा मेकअप यहाँ है पर मेरे पास नहीं है। और ये क्या है? इतना सारा सामान इसमें कैसे आ गया? तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा पाओगे। मुझे मेरा मेकअप चाहिए। लिली, सोचो सोचो। पेंसिल्स पेंसिल्स, पकड़ लिया। मुझे यही तो चाहिए। मेरे खूबसूरत बाल। ये कोई ब्यूटी सैलून नहीं है। फायर मेकअप अलार्म। मेरे बाल। मुझे मेरा मेकअप चाहिए। हे भगवान, मेरी स्किन कितनी सूख गई है। स्मेल्स वाली फेस क्रीम। मैं बहुत तेज हूँ। ओके बच्चों, क्या डिटेंशन? मेरा पेट कहाँ है? रुको। वो कहाँ है? किसी को पता नहीं चला। अच्छा किया लिली। क्या मैं तुम्हारा पेंट ले लूं? शुक्रिया। क्या? ओ लिली, फिर से F। दिखा तुमने क्या किया। ये रहा। ओ बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। मुझे मेरा मेकअप ढूंढना होगा। टेस्ट। आखिरकार। नहीं पता भी नहीं चलेगा। हर बार की तरह। मेकअप उतारना। मेकअप नहीं लगी, चलो इसे उतार। वो कहाँ है? टीचर का गार्डन। डील हुए। शायद उसके पास मेकअप हो। मेरे पास ही टेस्ट के आंसर्स हैं। इसके बदले में क्या? मेरे पास सब कुछ है। पाउडर पाउडर। ओके। आखिरकार। मेकअप नहीं लिली। क्या? कोई मेकअप नहीं। बिल्कुल कोई मेकअप नहीं। हमारा यहाँ पर स्वागत है। खराब कर दिया। डिटेंशन में कोई मेकअप नहीं। हुँ।
तुम कुछ भूल गई? तुम जा सकती हो। मेरा क्या? चले जाओ। क्या? परफेक्ट आईब्रोज। मुझे अपनी पेंसिल दो। एक पेंसिल $100 की? बिल्कुल। काफी बेहतर। पार्टी आज है। मेरा मेकअप, मेरे नेल्स, मैं कहीं नहीं जा सकती। वो बहुत नाराज है और अमीर भी। क्या? मैं पैसे लेके मदद कर सकता हूँ। ठीक है। नहीं, बैठ जाओ। मेरे पीरियड्स हैं। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। ठीक है। मुझे इसका क्या करना है? मुझे इसे छिपाना होगा। कुछ तो गड़बड़ है। लो कैच करो। मुझे पता था। चलो। It's happening. I can't wait. It's happening. I can't think straight. Tonight will be the night. You and me under the moonlight.
जाओ। अपनी सीट पर वापस जाओ। क्या मैं समय पर आ गई? लगभग। मैं जाकर बैठती हूँ, तुम किसका इंतजार कर रही हो? क्या बात है? अरे ये क्या, तुमने अपने बालों का क्या हाल कर दिया? शायद मेरे पास यहाँ ब्रश है। ओह भगवान का शुक्र है, ये हवा से मेरे बाल खराब हो जाते हैं। जेनिफर, तुम ग्रूम करना चाहती हो? मेरे क्लासरूम में नहीं। हाँ, मेरा ब्रश यहाँ कैसे आया? क्या ये जेलो है? पर मुझे अपने बाल ब्रश करने हैं। तो वो मेरे साथ ऐसा कर रही है? हाँ? अब वो मेरे हाथ कहाँ ले जाएंगी? ये काफी अनकंफर्टेबल लगती है, मैं मदद करती हूँ। लो एक नोटबुक, ये मेरी मदद कैसे करेगी? क्या मुझे सब समझाना पड़ेगा? ये एक नॉर्मल नोटबुक लगती है, लेकिन ये कॉम्ब होल्डर है। एक हॉट ग्लू की मदद से इस कॉम्ब को मेटल बाइंडिंग से चिपका दे। बढ़िया, और ये हो गया। ये कितना शानदार है और आसान भी। हेलो सिल्की स्मूथ हेयर। वो पुक्को अपने बालों पर रगड़ रही है। शायद मुझे नए लेंसेस चाहिए। और वो बुद्धू बन गई। बहुत अच्छा रहा। कभी कभी एक टचअप की जरूरत होती है, मुझे जल्दी करना होगा। जेनिफर, हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। तुम्हें रूल्स पता है ना मिसी? ओ, हाँ मुझे रूल्स पता है। जेनिफर, ऊपर मत देखना, ऊपर मत देखना। गह, हार मानती हूँ। मैं उसे कैसे पकड़ूं? मैं बोर हो रही हूँ। मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकती या कर सकती हूँ? समझ गए। एक रेगुलर मार्कर ले और इसका लेबल हटाएं। इसे भी हटाना होगा। अपना फेवरेट मस्कारा ले और थोड़ा हॉट ग्लू यहाँ भी लगाएं। अब ये प्लास्टिक पीस यहाँ लगा दें और अब मार्कर लेबल लगा दें। मार्कर या मेकअप, यही तो मेरा सीक्रेट है ना? मैं लंबी लैशेस के बिना नहीं रह सकती। और टीचर ने ध्यान भी नहीं दिया। बहुत अच्छे से हो गया। मैं सुंदर लग रही हूँ ना? जेनिफर, इतनी सुंदर लैशेस कहाँ से आई? देखते हैं यहाँ क्या है। कोई मेकअप तो नहीं दिख रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी पाउज ये पता क्यों नहीं लगा पा रही? ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये डलेगा और थोड़ा सा ये और थोड़ा जादू। बिल्कुल कुछ हो रहा है, बताओगे क्या होगा? ओ, ये अच्छा नहीं लग रहा। ये तो उस तरफ गया काफी तेज। किसी ने देखा? मैंने देखा। केमिस्ट्री मेरे बस की नहीं है। ओ, बस ये परमानेंट ना हो। ये उतर तो गया, लोग घूर रहे हैं। ये बहुत अजीब है, तुम बस समय बर्बाद कर रहे हो। इस तरह का एक पेंसिल शार्पनर इस्तेमाल करें जब ये खाली हो। इसमें अपना मनपसंद फाउंडेशन डालें। अब ढक्कन लगा दें
और अब पेंसिल के टिप पर ग्लू लगाएं और इस पर मेकअप स्पॉन्ज चिपका दें। तैयार हो? मुझे कुछ पसंद नहीं है। क्या? चलो इसे हटा लो। सच में कितना कूल है। बस दो बार डिप करना है और मेकअप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे इसके लिए शीशे की भी जरूरत नहीं है। तो अभी कैसा लग रहा है? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मैं यही सो सकती हूँ। आंखें खुल ही नहीं रही। थोड़ी देर आराम दे देती हूँ। हाँ, सनी सो गई। यही मौका है। अब प्रैंक करेंगे। योइंग, परफेक्ट टाइम। मैं काम पर लग जाती हूँ। पहले टूथपिक के पीछे का हिस्सा तोड़ लेंगे। अब हमें टेप की पतली सी स्ट्रिप चाहिए। इस टेप को टूथपिक के ऊपर इस तरह लपेट लेंगे और अब इसे पेंट करेंगे। छोटा सा सेक्शन ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसे पिंक पेंट करेंगे और पेंट को सूखने देंगे। इसके आसपास सिल्वर टेप लपेट लेंगे। ये और असली दिखना चाहिए। अच्छा लग रहा है। अब पॉइंटी एंड से टेप को निकाल देंगे। मैंने एक बोल में ब्लैक पेंट डाल लिया है। इस पॉइंट को इसमें डिप करेंगे। वाह, अब इसे बाकियों के साथ रख देंगे। कितनी बढ़िया लग रही है। सनी बिल्कुल हैरान होने वाली है। मैं इन्हें उसके डेस्क पर रख देती हूँ। और अब हाँ, मैं कहाँ हूँ? ये क्या हुआ? ओ नहीं, अपनी पेंसिल्स देखो। क्या? कैसे? विश्वास नहीं हो रहा। इतनी छोटी है? क्या हम जायंट्स हैं? ये बहुत अजीब है। तुम बुद्धू बन गई। क्या मतलब? तुम्हारी पेंसिल्स यहाँ है। हाँ, बहुत बढ़िया। लो वापस ले लो। फिर हाँ, तो इस लाइन को ऐसे फोल्ड करेंगे। ये आसान लगता है। रुको, दोबारा शुरू करें। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। मैडिसन, तुम्हारे पास कैंची है? हाँ। क्या? मुझे कैंची चाहिए। आह, समझ गई। वो यहीं कहीं होगी। मैं देखती हूँ, आसपास ही होनी चाहिए। मैंने अभी देखी थी। जरा रुको, क्लास खत्म होने वाली है। बस एक सेकेंड, मेरा यूनिक फाइलिंग सिस्टम है। तुमने पेपर के नीचे देखा? ब्लू या ऑरेंज पेपर के नीचे? देखना भी बहुत मुश्किल है। रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। मैडिसन, ये देखो। क्या है? तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। पहले कार्ड को इस तरह फोल्ड करेंगे। अब इसे खोल लेंगे। अब इसे वर्टिकली फोल्ड करेंगे और कोने तक एक क्रीज बनाएंगे। अब कार्ड को उल्टा कर लेंगे और दोबारा फोल्ड करेंगे। कोनों को फोल्ड कर लेंगे जैसे पेपर प्लेन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे। अब साइड्स को फोल्ड कर देंगे। अब इसे बेंड कर लेंगे। अब इसे उल्टा करेंगे और यही स्टेप रिपीट करेंगे। इस ट्रायंगल को फोल्ड करेंगे। बस हो ही गया। अब इसे खोल लेंगे। ये बॉक्स बन गया। इसमें सारे पेपर और कार्ड आ जाएंगे। वो तुम तो जीनियस हो। मुझे पसंद आया। रुको, अभी और भी है। इसमें सब कुछ रख लो। इससे तुम्हारा डेस्क साफ रहेगा। वाह, तुम्हारे बिना मैं क्या करती। जरा मेरे डेस्क को देखो। इतना साफ तुम्हें कभी नहीं लगा। और ये रही कैंची। मैं जानती थी इसके नीचे ही होगी। अब ले लो। शुक्रिया, मुझे क्राफ्ट पूरा करना होगा। एक और चीज करनी बाकी है। आह, मजा आ गया। ये वापस ले लो। मैडिसन, सच में कुछ नहीं हो सकता। बहुत बोरिंग है। हम चले जाएं। नंबर वन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तुम्हें इसका एक फैक्ट बताता हूँ। अरे यार, इंतजार नहीं हो रहा। मैं तब तक सो जाती हूँ। हे मैडिसन, जाग जाओ। तुम क्लास में नहीं सो सकती। वो गहरी नींद में सो गई है। ओह, मैं समझ गई। इससे ये जरूर उठ जाएगी और मेरी भी टारगेट प्रैक्टिस हो जाएगी। मैडिसन, हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सो गई थी। मेरी क्या गलती है? मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, अब मैं जाग लूंगी। पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। शायद इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगे। जरा रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया। पहले हमें एक ब्लैक पेन चाहिए। कप के रिम पर इस तरह मार्क्स बना देंगे, बराबर की जगह छोड़ते हुए। अब कैंची लेंगे और मार्क्स पर कट लगा देंगे। अब इसके सिर्फ चार सेक्शन ही छोड़ेंगे और एंड्स को फोल्ड कर देंगे। मैंने बीच में एक छेद कर लिया है। इसके अंदर स्ट्रॉ डालेंगे। अब एंड्स को वापस फोल्ड कर लेंगे। इसे टेप से सिक्योर करेंगे। अब इसे दूसरे कप में डालेंगे। अब बेस से इसमें स्ट्रॉ को घुसाएंगे। सनी, ये देखो। ये क्या है? अब देखना, मैं इसे पेपर बॉल के ऊपर रखकर स्ट्रॉ को खींचूंगी तो ये ग्रैब कर लेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए भी है। वाओ, शुक्रिया। ये तो बहुत दिलचस्प है। पकड़ लिया। हाँ, ये क्या कर रही हो? अभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओह,
प्लीज बताइए। ये टेस्ट बहुत मुश्किल है। हाय सनी। हे क्या चल रहा है? मैं तो होप शूट कर रही थी। मुझे ध्यान लगाने दो। जो भी हो तुम बिल्कुल नर्ड हो। सनी क्या कर रही हो? पता नहीं क्या क्या करती रहती है। इसे कचरे में फेंको। क्या? मैं काम कर रही हूँ। कुछ लोग बहुत रूड होते हैं। ठीक है मैं कर देती हूँ, सभी मुझे करना पड़ता है। जरा रुको मेरे पास एक आइडिया है। हाँ ये चलेगा। बॉटल को आधा कर लेते हैं। अब बॉटम सेक्शन में बहुत सारा ग्लिटर डालेंगे। वाह देखो कैसे चमक रहा है। अब इसे रख देते हैं। हमें कार्ड चाहिए, इसमें से सर्कल्स और रेक्टेंगल्स काट लेते हैं। अब इन्हें साथ में जोड़ लेंगे, इसे बॉटल के अंदर डाल लेंगे। ओ, कितना बढ़िया लग रहा है, मुझे तो अच्छा लगा। मेरे पेंसिल्स के लिए परफेक्ट है। इन्हें इसमें रखते हैं। वाह मुझे पसंद आया। तो कैसा लगा? ठीक है पर मेरा टेस्ट पूरा हो गया। क्या मैं तो भूल ही गई थी। ओ नहीं क्लास खत्म हो गई। मैं अब फेल हो जाऊंगी। स्कूल में होना आसान तो नहीं होता, बहुत सारी पढ़ाई होती है, पर हमें चीजें थोड़ी आसान बनानी चाहिए। इसीलिए हमारे पास ये बढ़िया क्राफ्ट्स हैं, जिनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। आपका सबसे अच्छा स्कूल हैक क्या है हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और काम की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे लगा ये आर्ट क्लास है। मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की? मैं पास नहीं होने वाला। एक सेकंड, टीचर का ध्यान कहीं और है। यही मौका है। एकदम आराम से, मेरे फोन के बिना मैं क्या करता? मुझे यही तो चाहिए। आपको आंसर मिल गया होगा। और अगर आप ये कर लें, वहाँ पीछे क्या हो रहा है? क्या ये फोन है? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसी बात है। आप कब से यहाँ हो? बहुत समय से। चलो मुझे फोन दो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी एलेक्स। अब एग्जाम पूरा करो। विश्वास नहीं होता। हाँ हाँ जो भी हो, चाहे वो मेरा फोन ले गए हैं, पर वो मेरे स्नैक्स तो नहीं लेकर गए ना। इन चिप्स में एक खास चीज है, आंसर्स। और सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं बाद में चिप्स खा सकता हूँ। ये कैसा मजाक है? लगता है मुझे कोई देख रहा है। कुछ नहीं है, चिप्स मेरे लिए। क्या जरूरत थी? दोबारा नहीं। अब एक ही चारा है, तुम्हें यही मिलना चाहिए। ओ, मजा आ गया। अब निकलो यहाँ से। आप बहुत बुरे हो। ओ, तो अब रोने वाले हो? कितनी गलत बात है। क्या हो गया बेटा? मुझे एफ मिला डैड। मैंने पूरी कोशिश की। कोई बात नहीं, उदास मत हो। एक मिनट, लगता है मैं जानता हूँ क्या करना है। पहले मैं अपने मैग्नीफाइंग ग्लास में से हैंडल निकाल लेता हूँ। अब एक कार्ड की ट्यूब चाहिए, इसे लेंस के ऊपर लगाएंगे और ग्लू से टिका देंगे। बस कोने कोनों में ग्लू गन चला देंगे। अब हमें रेड टेप चाहिए, इसे लेंस के आसपास लपेटेंगे, ये अच्छा दिखना चाहिए। तो चलो एलेक्स, इससे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये क्या है? इसे अपनी आंखों पर लगाओ। मैं अभी आता हूँ। जरा रुको, ये देखो। क्यों? ओ, मैं समझ गया, मैं आंसर देख सकता हूँ। लाजवाब। हाँ चलो अब एग्जाम दे। मैंने बहुत मुश्किल बनाया है। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। सब ऐसा ही कहते हैं। शुरू करो। मैं जानता हूँ तुम फेल हो जाओगे, और मैं जानता था कि ऐसा ही आएगा। चलो डैड, आप कहाँ हो? नहीं ये तो पेड़ है। मैं जानता था ये भेस बदलना काम आएगा। एलेक्स यहाँ देखो। परफेक्ट, आप मुझे निराश नहीं कर सकते। थैंक्स डैड। हाँ तुमने कुछ कहा? ये क्या कर रहा है? लगता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मुझे पता लगाना होगा। अभी तक तो सब ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हो? लो देख लो। हाँ दो इधर। ये बिल्डर थोड़ा अजीब लग रहा है। नेचुरल रहो। लगता है सब ठीक है। मैंने तुम्हें गलत समझा एलेक्स। फिर बच गए। ऐसे ही पकड़ी रहो एमिली। तैयार हो? तुम जानते हो यही वो जगह है। अच्छा लग रहा है। ये बढ़िया आइडिया था। अगला क्या? मैंने कुछ सोच रखा है, शायद हमें कार्ड्स बनाने चाहिए। बढ़िया।
ये देखो, सिंपल और अच्छा। अब तुम्हारी बारी। मेरे पास काफी बड़े प्लान्स हैं। लव हार्ट की जरूरत है, रेड सही रहेगा। ग्लू ये रही, मैं इसे थोड़ा सा कार्ड पर लगाती हूँ, फिर इस पर हार्ट लगाती हूँ। ध्यान रहे अच्छे से चिपके। करने के लिए अभी बहुत सारे कार्ड्स बचे हैं। एक सेकेंड, ये कैसा लग रहा है? प्यारा, हाँ? क्या ये बाकी के कार्ड्स हैं? बिल्कुल। मुझे काम पर लगना होगा, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ग्लू करो और चिपका दो, ये मजेदार है। हाँ, क्या हुआ? और भी है। क्या मजाक है? चलो इसे बांट लें, इसे जल्दी काम होगा। ये लो। शुक्रिया। हमें जल्दी करना होगा, रोमांस से काम नहीं होगा। चलो करें। थोड़ा सा ग्लू और हार्ट। ये बोरिंग हो रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं। फ्यू, बहुत मेहनत का काम है। करती रहो एमिली। तुम्हारे क्या हाल है? बढ़िया नहीं। सेम। मुझे लग रहा है ये बुरा आइडिया है, हमें खत्म करना होगा। क्या सच में? रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। मुझे फूड कंटेनर चाहिए, मैं इसमें स्पॉन्ज रखूंगी और स्पॉन्ज में ग्लू लगाऊंगी। मैं एक तरफ से दूसरी तरफ लगाऊंगी, पर इसे ढक दूंगी। अब इसे शेक करूंगी, ये काम करना चाहिए। हाँ, तुम क्या कर रही हो? मैं हार्ट को स्पॉन्ज पर लगाऊंगी, फिर कार्ड पर। ये देखो, तुम तो कमाल हो, मुझे भी ट्राई करना है। वो कितना बढ़िया है। ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुमने तो कमाल कर दिया एमिली, लगभग हो गया। ये आखिरी बचा है, हमने कर दिखाया और ये सब बढ़िया लग रहे हैं। दो ताली। ये हुई ना हैप्पी एंडिंग। ये लो बेस्टी, ये पेंसिल्स कितनी प्यारी हैं। हम बहुत लकी हैं। हाँ, बस कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब ये मैच होनी चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें ये देखना चाहिए। ये क्या? जो भी हो। हे सनी, तुम्हारी पेंसिल कहाँ है? मेरी पेंसिल? अरे हाँ, ये रही। ओ नहीं, ये नहीं चलेगा, मैं नहीं चाहती वो ये देखे। ओ, वो यही कहीं है, मुझे बस एक सेकंड दो, मुझे जल्दी करना होगा। मिल गई। हमेशा गुम जाती है। तो ये कैसी लगी? क्या ये कोई मजाक है? क्लास तैयार हो? एग्जाम टाइम। शुरू करो, होना तो फेल ही है। हाँ, मुझे सरप्राइज एग्जाम्स बहुत पसंद है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे ये क्वेश्चन पसंद आया। मैडिसन, हे, यहाँ देखो। हाँ, क्या है? मेरी मदद कर दो प्लीज। ठीक है, जल्दी से नोट्स बना लेती हूँ, इसमें तुम्हारी सारी मतलब की चीजें हैं। और मैं एक एयर मेल भेजती हूँ। सनी, ये लो। लो पकड़ो। ओ नहीं, ये नहीं, मैं इसे रोकता हूँ। मेरा पेपर प्लेन। ये दोबारा ट्राई मत करना, मैंने कहा ना। बिल्कुल समझ गए। रुको, अब मैं क्या करूँ? क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। हाँ बिल्कुल, माफ करना, मैंने पूरी कोशिश की। हम कुछ तो कर सकते हैं। जरा रुको, चॉक बोर्ड। हाँ, मैं समझ गई। मुझे अपनी नोटबुक चाहिए, मैं इसे मेकओवर दूंगी। इसे ब्लैक पेंट करेंगे और ये कोई आम पेंट नहीं है, ये चॉक बोर्ड के लिए है। मैं इसे अपनी नोटबुक कवर कर दूंगी, इसे बिल्कुल इवन रखेंगे। बस हो ही गया। जी हाँ, अब इसे सूखने देंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब एक चौक का पीस लेंगे, मैं पेंट पर आंसर्स लिख सकती हूँ इस तरह, और अब इसे साफ कर देंगे। ये परफेक्ट है, अब सनी की मदद करते हैं। वो हैरान होने वाली है, और मैं और मैच कर लूंगी और सब जीत गए। हाँ, हे सनी, यहाँ देखो। अरे वाह, मुझे आंसर मिल ही गया है, मैं जानती थी यही होगा। वो थैंक्स मैडिसन, समझ गई। बढ़िया, ऐसे ही रखो। हाँ, ये क्या हो रहा है? हे, चीटिंग नहीं चलेगी। मैं आंसर को हटा देती हूँ, बस वो देख ना ले। मैं चीटिंग नहीं कर रही, देखो ये बस नोटबुक है। ओह ठीक है, माफ करना, शायद मैं सिर्फ सोच रहा था। अपना टेस्ट कर लो। शुक्रिया मैडिसन, तुम सबसे अच्छी हो। अरे कोई बात नहीं।
मैं क्लास के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकती, खींची ही जा रही है। वुहू, हो गई, बहुत मेहनत हो गई। बाय सनी। बाय, फिर मिलेंगे, मैं जा रही हूँ। क्या सनी? ओ नहीं, मैं मदद करती हूँ, बस यहीं बैठ जाओ। क्या हुआ? पता नहीं, मैं हैरान तो नहीं हूँ। रुको, तुम पेन से स्लिप हो गई। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी। पहले कार्ड का पीस इस तरह काटेंगे। अब मुझे एक ब्लैक पेन चाहिए। कार्ड के कोनों पर ड्रॉ करेंगे, अब डिटेल्स फिल कर देंगे। ये दो प्यारी किटीज होंगी, ये बहुत अच्छा दिखेगा। हाँ, इतना काफी है, अब इसे उल्टा कर लेंगे। अब एक और चीज करनी बाकी है, कार्ड पर मैग्नेट्स लगा देंगे। नोटबुक के अंदर एक किटी को रखेंगे, अब बीच में पेन रख देंगे। अब नोटबुक को बंद कर देंगे, अब मैग्नेट्स को कनेक्ट कर देंगे। ये पेन अब कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें कैसा लगा सनी? वाह, शुक्रिया मैडिसन, मुझे यही तो चाहिए था। चलो चलें। मुझे लिपस्टिक का ये शेड बहुत पसंद है। ध्यान लगाने दो। लो, अब अच्छी लग रही हूँ। एक कट और, मैंने कर दिखाया। अब मुझे थोड़ी ग्लू चाहिए, बस थोड़ी सी। ओह हाँ, शायद थोड़ी ज्यादा आ गई, मैं ज्यादा ही बहक गई। बहुत चिपचिपी है, बहुत गंदी, अजीब सा लग रहा है। ये ग्लू की बोतल बेकार है। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? मुझे बात नहीं करनी। याइक्स, बहुत गंद मचा दिया, उसने ये चौथी बार किया है। मुझे उसकी मदद करनी होगी, और मेरे पास कुछ है, ये रोलर बॉटल काम आएगी। मुझे ग्लू दे दो। तुम्हें ये चाहिए? कहा ना, ये काबू में नहीं आती। मैं जानती हूँ क्या करना है। पहले बॉटल को खाली कर लेंगे, अब इसमें ग्लू डालेंगे। ध्यान से, बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए। मुझे मैडिसन की तरह नहीं करना, नहीं तो वो हमें स्टिकी सिस्टर्स बुलाएंगे। हाँ, हो गया। अब रोलर लिड को बॉटल के ऊपर लगा देंगे, ये तुम्हारे लिए। हाँ, ये क्या है? तुम चाहती हो मैं ये इस्तेमाल करूँ? पक्का? मेरे लिए दुआ करो। वो जरा इसे देखो, इतना ग्लू एकदम परफेक्ट है, लगता है ये तैयार है। केविन को ये बहुत पसंद आएगा। वाह, ये कितना बोलते हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है और ये टेस्ट में आएगा। मुझे बस ब्ला 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 सुनाई दे रहा है, मैं जानता हूँ क्या करना चाहिए। स्नैक्स खाए, इतना सुन सुन कर मुझे भूख लग गई। मीठी मीठी कैंडी। रुको, क्या मुझे कैंडी रैपर की आवाज आई? बहुत मजा आएगा। तुम ये क्या कर रहे हो? ये नहीं चलेगा, तुम्हें रूल्स पता है ना, क्लास में स्नैक्स नहीं चलते। ये मुझे दो और बाकी के भी, क्या कर सकते हो। देखते हैं ये असली कैंडी है या नहीं। ओह हाँ, ये पक्का कैंडी है। तो मैं कहा था, ठीक है स्नैक्स अलाउड नहीं है ना, पर उन्होंने सोडा के लिए तो मना नहीं किया। ये चल जाएगा, पर इस बार मैं ध्यान रखूंगा, इसे छिपा कर पीऊंगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। रुको, वो कहाँ चले गए? मतलब कैसे हो? ये मुझे दे दो। ये यहाँ कैसे आ गया? ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है एलेक्स। वो उधर देख रहे हैं, जल्दी करना होगा। ओ बिल्कुल नहीं। क्या? मान लो मैं इसमें बहुत तेज हूँ और मैं ये ले जा रहा हूँ। मैं इतना पास था, बस टेस्ट ही करने वाला था। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हे भगवान, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, अब मैं रुक जाता हूँ। जरा रुको, मेरी ग्लू स्टिक, इससे मुझे एक आइडिया आया, मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले मुझे ग्लू निकालनी होगी। अब ट्यूब के अंदर से साफ कर देते हैं। अब मुझे अपनी फेवरेट कैंडी चाहिए, इसे प्रेस कर देंगे। मुझे एक सुपर कैंडी बॉल चाहिए, इसमें ट्यूब प्रेस करेंगे, इससे बॉल का सेक्शन निकल आएगा। अब हम बाकी की कैंडी भी निकाल सकते हैं, इसे बाद के लिए रख लेते हैं। अब मेरे पास कैंडी स्टिक है, जब ट्यूब को घुमाएंगे तो कैंडी बाहर आएगी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, और सबसे अच्छी चीज, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। स्वादिष्ट। एक सेकंड रुको, ये खुशबू कैसी है? दोबारा नहीं, क्या ये कैंडी की खुशबू है? क्या नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे पास से देखना होगा। हे, देख लो, यहाँ कुछ नहीं है, ये तो मेरी आम सी पुरानी ग्लू स्टिक है। तो ऐसी बात है, शायद वो सच बोल रहा हो, कैंडी तो नहीं दिख रही।
ठीक है, तो मेरी ही गलती होगी। हाँ हो सकता है, तो अब मैं ये ग्लू लगा लूं। बहुत टेस्टी है, शायद ये क्लास इतनी भी बुरी नहीं है। मेरा मास्टरपीस पूरा होने वाला है। अब ये वाला तो ये म्यूजियम में टांगेंगे। जरा रुको, ये तो मेरी वाली से भी बेहतर है। अगर मैं अलग तरीके से सोचता तो शायद ये बेहतर दिखती। अरे नहीं, ये बहुत बेकार है। मैं अभी आता हूँ, मैं इस कचरे को फेंक कर आ रहा हूँ। काश मैं ऐसा कुछ बना पाता। एक सेकंड रुको, शायद मैं बना सकता हूँ। मुझे बस ये प्लास्टिक रैप चाहिए। इसे ड्रॉइंग पर लगाएंगे, अब इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, बस आउटलाइन को ट्रेस कर लेंगे। बहुत आसान है, मैं एक जीनियस हूँ। पक्का बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसा ही करते होंगे। ये कॉपी करना नहीं है, ये इंस्पिरेशन लेना है। अब प्लास्टिक रैप को निकाल देंगे और इसे खाली शीट पर रखेंगे। इंक को ट्रांसफर करने के लिए रोलिंग पिन इस्तेमाल करेंगे। टडा, बढ़िया लग रहा है। देखो मैंने क्या किया जस्टिन। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है, कमाल है। हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, हम कितने टैलेंटेड हैं। दो ताली दोस्त। ओह यस, तभी तो हम बेस्ट चीज हैं। होमवर्क मुश्किल है। जरा रुको, ये क्या था? कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं है। ओ नहीं, फॉर्मूलाज सब मिक्स हो गया है, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम फेल हो गए हो जस्टिन, पर मुझे खुशी मिली। ये आवाज कैसी है? बहुत जोर से लगी। क्या ये कमरा घूम रहा है? नहीं, ये मेरी ही परेशानी है। क्या हो गया? फिजिक्स इतनी मुश्किल क्यों है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं फेल हो जाऊंगा। आओ, मेरा सर। बस एक सेकंड दो, मुझे इस पर बैंडेड लगानी होगी। ओह, बहुत जोर से लगा, और ध्यान रखना होगा। अब ठीक है। क्यों? ये ज्यादा जरूरी है डैड, मुझे एफ नहीं मिल सकता। तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर सब भूल रहा हूँ। रुको, समझ गया, ये हुई ना बात जस्टिन। हाँ, द बैंडेड्स की बात कर रहा हूँ, ये मुझे दो, इससे सब ठीक हो जाएगा। गुड बाय एफ। बैंडेड की बैकिंग हटाएंगे और सारे फॉर्मूलाज इस पेपर पर आ गए। इसे बैंडेड के बीच में लगाएंगे और सारे आंसर्स यही हैं। ये एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ओह, मुझे बहुत दर्द हो रही है। ओ, तुम्हें क्या हो गया? अभी बहुत ताजा है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम फिर भी एग्जाम दोगे? ओह हाँ हाँ, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। गुड लक, तुम्हें दुआओं की जरूरत है। ऐसा आपको लगता है, इस बैंडेड को निकाल देते हैं और मुझे जो चाहिए सब यहाँ है। चलो मान लो मैं बहुत तेज हूँ ना। ये रहा तुम्हारा अगला चैलेंज। मैं ही कर सकती हूँ या शायद नहीं। मुझे गुस्सा आ रहा है, सब कुछ बकवास ही होते हैं। दोबारा मैं भी कमाल ही कर देता हूँ। वाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या ये आवाज तुमसे आई? मैंने आज नाश्ता नहीं किया था, शुक्र है मैं ये लाई हूँ। हेलो दोस्त। एक्सक्यूज मी एमिली, तुम्हें रूल्स पता है ना? मेरे दिमाग से निकल गया था, सर्कल्स ही बना लेती हूँ। अब बहुत गुड़गुड़ हो रही है, मैं ध्यान ही नहीं लगा पा रही। एक मिनट रुको, टीचर तो नहीं देख रहे ना? मेरे पास एक प्लान है और इसमें भी सर्कल्स ही हैं, बस चॉकलेट वाले। यही मौका है, तो चलो। बढ़िया है ना? एमिली, दोबारा गड़बड़ हो गई। ये काम किया, लाजवाब। हाँ, मुझे भी चाहिए, मुझे भी भूख लगी है। रुको, मेरा कलर बॉक्स। ये हुई ना बात, अब सीरियल लेंगे। इसमें डल गया। ओह हाँ, अब इसे खाते हैं। स्वादिष्ट, ये काम किया, कमाल है।
हे, तुम तो बहुत तेज हो। तुम्हें चाहिए? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ओह रुको। हाँ? ये ट्रिक देखना। सारा का सारा सीरियल उसमें डालेंगे। अब ग्लू लेंगे। ग्लू से मेरा मतलब है दूध, क्योंकि ये दोनों व्हाइट होते हैं। अब सीरियल और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, स्कूल के रूल्स भी नहीं। चलो पार्टी शुरू करें। बस टीचर तो नहीं देख रहे ना? वाह, तुम बहुत स्मार्ट हो। क्लास इतनी भी बुरी नहीं होती है। वहाँ पीछे क्या चल रहा है? बस ड्राइंग कर रहे हैं सर। ठीक है। हे, मुझे भी थोड़े दो। अच्छे है ना? स्नैक टाइम। कितने सारे ऑप्शंस हैं? 50 सेंट्स। और ये कितने के हैं? समझ नहीं आ रहा। जरा इसे तो देखो, कितनी क्रीम है। मुझे यही चाहिए। वाह, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, क्यों? सोचना भी मत मैथ्यू। तुमने सुना ना? हटो। हे भगवान, बहुत हल्के हो। नहीं। वाओ, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे हाँ, आखिरकार। मैट, हाय। मैं तुमसे बदला लूंगा। अब ये खत्म नहीं हुआ। आराम से बैठे हो ना, क्योंकि अब ये टाइट हो जाएगा। डिजर्ट के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर मिलेंगे। पैर में खुजली हो रही है। दोबारा से मंडे आ गया। हाँ, यहाँ पर बहुत ठंड है। हाँ शायद। बस आज टेस्ट ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वैसे भी नहीं पढ़ता। तो क्लास, आज टेस्ट है। अरे हाँ, देखा, तुम समझ गए। मतलब ये जानना चाहती हो ये कैसे किया जाए? पहले नेल्स लगाएंगे। और जब ये अच्छे से चिपक जाए तो उसी साइज का पेपर इसके ऊपर चिपकाएं। बहुत आसान है। ये रहे सारे जवाब। अरे वाह, तुम्हारे कहाँ है? जरा देखो तो। हाँ, मेरा सोडा। डो, टडा, ये रहे। मैं बहुत तेज हूँ ना? इसे बनाना भी बहुत आसान है। बस इसे उल्टा करना है और यहाँ पर जवाब लिखने हैं। अब उसे दोबारा सीधा कर देंगे। कमाल है। हाँ मैं जानता हूँ। तैयार हो? ओ हाँ हाँ, मैं हमेशा से तैयार हूँ। वाह, अब इसे उल्टा करेंगे। ये रहे। यही वो समय है। हेलो दोस्तों, एक सेकेंड रुको। टाइम खत्म हुआ। बहुत अच्छा किया क्लास। मुझे क्या मिला? और मुझे शानदार। हमने कर दिखाया। वाहू, थोड़ा सा यहाँ काटना है। ये अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ये क्लास बेस्ट है। हे मॉली, तुम्हारे कान के पीछे कुछ है। कहाँ, क्या, वो ये कहाँ से आया? क्या तुम मैजिशियन हो? शायद हूँ। वो कितना बढ़िया है। वाह, इससे मुझे एक आइडिया आया। मुझे कार्डबोर्ड चाहिए और थोड़ी स्प्रिंग। अब मैं एक बॉक्स बना सकती हूँ। इन्हें एक साथ जोड़ते हैं। हाँ, ये काम करना चाहिए। मिंडी, तुम्हें ये देखना चाहिए। हाँ, ये क्या है? वो
ये तुमने बनाया? तुमने अभी बेस्ट पार्ट नहीं देखा। देखो ये कॉइन खा रहा है, ये काफी अच्छा है। हाँ चलो फिर से ट्राई करते हैं। मैं सोच रही थी तुम ये कहोगी। मुझे ध्यान देना होगा, मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। ये जूसी बुगर। हाँ ये क्या है? ये मेरी किटी है, जानती हूँ ये कमाल है। जेलस होना कोई बुरी बात नहीं है, मुझे चाहिए। जरा इसे देखो तो। हाँ मॉली, क्या मैं इसे पकड़ सकती हूँ? बिल्कुल, मजाक कर रही हूँ। बुद्धू बनाया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। तुम मेरी किटी को नहीं पकड़ सकती। ये कितनी बुरी है, लेकिन मैं उसे दिखाती हूँ। इस कार्ड को आधा काटते हैं। अब ग्लू की जरूरत है, इसे किनारों पर लगाते हैं। पेपर सोरेटेड कार्ड है, मैं इसे ग्लू पर चिपकाती हूँ। एजिस पर इसे मोड़ कर एक बॉक्स बनाते हैं। मैंने वुडन स्क्यूअर पर एक पेपर रोल किया है, मैं इसे बॉक्स के अंदर डालती हूँ। मैंने कार्ड पर एक स्लॉट काटा है, ये बॉक्स का टॉप होगा। स्लॉट में से पेपर निकलता है, फिर इस पर ड्रॉ करते हैं। हो गया। मॉली ये देखो, ये हेलो किटी कार्टून है, ये काफी अच्छा है। हाँ? क्या तुम्हें ये कहाँ से मिला? काश मेरे पास भी होता। इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, मैं तुम्हारे लिए अदला बदली कर सकती हूँ। तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए? बिल्कुल, ये कितना मुलायम और कटली है। वाह, मैंने पहले कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। ये अब तक की सबसे अच्छी चीज है, मैं ये पूरा दिन कर सकती हूँ। मेरा अलार्म सेट हो गया है, सोने का समय है। शायद मैं कुछ भूल रही हूँ, लेकिन क्या? एक सेकेंड, मैं एग्जाम के बारे में तो भूल गई। ओह नहीं, ये बहुत बुरा है, मुझे पढ़ना होगा। उम्मीद है ज्यादा लेट नहीं हुआ है। ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे अच्छे से पढ़ना होगा। ये कितना ही मुश्किल होगा। मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन मुझे पढ़ते रहना होगा। जमकर पढ़ाई हो रही है। हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाई हूँ। हाँ आप बहुत अच्छी हैं, जानती हूँ। हाँ ये क्या है? मुझे ये लर्न करना है। तुम्हारा लैम्प फ्लिकर कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। और अब ये खराब ही हो गया, ये सही नहीं है। उम्मीद है तुम्हें अंधेरे से डरने लगता। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ चलो, मैं पेपर कप पर हार्ट ड्रॉ करती हूँ, फिर इसे कट कर देते हैं। फिर कप के रिम पर कार्ड का डिस्क लगाते हैं। अब इसके अंदर एक वुडन रॉड डालते हैं। अब मुझे बहुत सारी कार्डबोर्ड डिस्क चाहिए, मैंने इकट्ठा करती हूँ। फिर इन पर और कप के नीचे एक छेद करती हूँ। अब कप में लाइट्स लगाते हैं। अब वुडन रॉड को कार्डबोर्ड डिस्क पर लगाते हैं। ये प्यारा डिस्क लैम्प बन गया। ओह मिंडी, इससे तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगी। ओह वाह, मुझे इसी की जरूरत थी, ये बढ़िया है। बहुत अच्छी स्वीटी, तुम ये कर सकती हो। हाँ शायद कर सकती हूँ। ये बुक बहुत मजेदार है, लेकिन पढ़ना बहुत मुश्किल है। मुझे भूख लग रही है, मुझे थोड़ा खाना चाहिए। अच्छी बात है मेरे पास है, मैं कुछ कैंडी खा लेती हूँ। ये कमाल है, मैं बहुत खुश हूँ, कोई ये खराब नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? कैंडी को कचरे में डालो, ये बहुत बुरा है। मैं इसे खा रही थी। तुम रूल्स जानती हो, मैं तुमसे नाराज हूँ मिंडी। अब बुक पढ़ो। ये बस मुझे ही देखती रहती है, मेरे पास और कैंडी है। नहीं मैं नहीं कर सकती, या कर सकती हूँ, जरूर इसे खाने का एक तरीका होगा। रुको मैं समझ गई, मैं कार्ड के टुकड़े से क्लाउड काटूंगी, फिर इसके ऊपर आईज और माउथ लगाते हैं, एजेस पर ग्लू लगाते हैं और इसके ऊपर फिर फोम लगाते हैं। हमें जिपर की भी जरूरत है, ये एक प्यारी नोटबुक बनेगी, लेकिन इसमें कुछ स्वादिष्ट छिपा है। ये एक स्वीट रेनबो की तरह है, अब काफी अच्छा है, टीचर को कभी नहीं पता चलेगा। मिंडी तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ठीक है, मेरा चिप्स टाइम मत खराब करो। हाँ तो चलो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। ओ क्या घुमाया है हनी, बॉक्स के अंदर क्या है? ये क्या? ये तो क्रेडिट कार्ड है। वाह कमाल है, मैं इसे इस्तेमाल करने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं बहुत खुश हूँ, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। शायद मुझसे गलती हो गई है। मेरी सॉक कहाँ है? वो यहीं पर थी। मेरा एयरपॉड भी खो गया। ओह, मैं समझ गई। हाय मॉम, कोई मदद चाहिए? ये मेरी चीजें हैं। नहीं ये मेरी हैं और पैसे लगेंगे। ये कोई मजाक है? लाओ कैश मुझे दो। मैं अपनी ही चीजें नहीं खरीदूंगी, मैं जा रही हूँ।
और मैं अपनी सॉक लेकर जाऊंगी। हाँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? आप इनके पैसे देना भूल गई? मेरे पास और टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप जेल में जाओगी। ये सब आप पुलिस वालों को बताना। लिजी, क्या कर रही हो? मैंने आपको मौका दिया था, फिर मिलेंगे। लिजी, वापस आओ। ये बुक बहुत दिलचस्प है। मैं नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। हाँ, अच्छे लग रहे हैं। लगता है मैं तैयार हूँ। हाँ, जरा इसे देखो, मजेदार लगता है। मेरे नेल सलून में आपका स्वागत है। मुझे मैनिक्योर ही करवाना था। मुझे अपने नेल्स दिखाओ। ये तो बहुत बेकार है। आपका नेल टेक्नीशियन कौन है? इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्या मतलब? ओह, तो ऐसी बात है। ठीक है, शायद इससे तुम्हारा मन बदल जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता, हमारे स्टैंडर्ड्स हाई है। मेरे पास सिर्फ यही है। बहुत चीप है। ठीक है, आप मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकती हो। एक सेकंड रुको, ये मेरा है। ये जरूरी नहीं है कि किसका है मॉम, अब आप पे करोगे। पता नहीं मैं ये क्यों कर रही हूँ। शुक्रिया, बैठ जाइए। अब मैं इंतजार नहीं कर पा रही। मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करती हूँ, जैसे ये ऑटोमेटिक नेल एप्लीकेटर। ये एक्सक्लूसिव है और आप बहुत लकी हैं। वाह, काफी फ्यूचरिस्टिक है। मुझे इस पर गर्व है, मैंने ये खुद बनाया है। पेपर कप में होल करेंगे, अब इसे उल्टा कर देंगे, अब इसे आधे में काटेंगे, ऊपर का हिस्सा एक तरफ रख देंगे। ये थोड़ा आम ही लग रहा है, तो इस पर कलर करते हैं। पहले एक पिंक पेन लेकर इस होल के आसपास ड्रॉ करेंगे। पतली सी लाइन बनानी है, बिल्कुल इस तरह। अब एक लव हार्ट बनाएंगे, ये बहुत प्यारा होना चाहिए। ऐसे ही और हार्ट बनाएंगे, वो भी अलग अलग कलर्स के। ये अच्छा लग रहा है। अब कप को सीधा करेंगे, इसके ऊपर ये बारबी ड्रॉइंग रखेंगे। अब नेल्स का डिजाइन बनाएंगे। मैंने पेपर की स्ट्रिप पे बना लिया है, इन्हें कलर कर लेंगे। ये बहुत अनोखे होने वाले हैं। वाह, बहुत कलरफुल है। अब इन्हें काट लेंगे और कप पर लगा देंगे। इससे लोगों को पता चलेगा कि यहाँ क्या क्या होता है, वो जो चाहे वो चुन सकते हैं। अभी बारबी का साइन लगा देंगे। अभी और भी काम करना बाकी है। मुझे वुडन रॉड चाहिए और पतली सी फोम की स्ट्रिप। इस स्टिक के आसपास कार्ड लपेट देंगे, एकदम टाइट रखना है और इसे यहीं पर रोक देंगे। अब नेल को फोम पर लगाएंगे, थोड़ी जगह छोड़ते हुए। ये बढ़िया लग रहा है, ये फोम पर लग चुके हैं। अब इसे कप में लगाना होगा, ये आसान होगा। अब ये तैयार है, चलो ट्राई करो। इस होल में अपनी उंगली रखो, फोम घूमेगी और डिजाइन नेल पर लग जाएगा। वाह, जरा इसे देखो। अब बाकियों पर भी करना है। तो कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आए, कितने स्टाइलिश है। आप कमाल की लग रही हो। थैंक्स स्वीटी। मुझे फोकस करना होगा, आराम से, बस हो ही गया। वाओ, ओ, कितना कूल था, ये कमाल का जा रहा है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुको, नहीं, अब नहीं, ऐसा क्यों होता है? लिजी, तुम ठीक तो हो? मॉम को बताओ क्या हुआ? गेम, ये खराब हो गया, बहुत बुरा हुआ। ओह, मुझे इसे ठीक करना होगा। ओह, ये पुराना टेडी काम आएगा। देखो मेरे पास क्या है। सच में मॉम? देखो कितना प्यारा पिगी है। इसे मुझसे दूर करो। अब बस ये कार्डबोर्ड बचा है, इससे लिजी खुश नहीं होगी। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, लिजी को ये बहुत पसंद आएगा। पहले कार्डबोर्ड के कोनों पर लाइन बनाना शुरू करेंगे, बिल्कुल इस तरह। अब मुझे कैंची चाहिए, लाइन के साथ साथ काट लेंगे। ज्यादा बड़ा कट नहीं बनाना, इसके हर लाइन पर ऐसे ही करेंगे। ये परफेक्ट है। अब साइड को फोल्ड कर देंगे, कट से ये और आसान हो जाएगा। अब मुझे ग्लू गन चाहिए, थोड़ी सी ग्लू यहाँ लगाएंगे। ऐसे ही हर कोने पर और बॉक्स के अंदर एक कार्डबोर्ड की स्ट्रिप डाल देंगे, ये अच्छे से फिट होनी चाहिए। और इसे ग्लू से चिपका देंगे। स्ट्रिप के नीचे की तरफ मैंने ग्लू से एक लाइन बना दी है। अब हमें एक वुडन रॉड चाहिए, मैंने सोडा बॉटल कैप में ही एक छेद कर लिया था। इसके अंदर रॉड डाल देंगे, ये बिल्कुल बीच में आएगा। अब हमें एक टॉयलेट पेपर ट्यूब चाहिए, इसमें एक और रॉड डालेंगे और इन्हें बॉक्स में लगा देंगे। इस ड्रॉइंग को ट्यूब्स पर लपेट देंगे, सोडा कैप के ऊपर भी टेप लगाएंगे और इसे खींचकर यहाँ तक ले आएंगे। इस पर मारियो लगाएंगे, अब कवर लगाएंगे। अब बस इसे पेंट करना बाकी है। मैं लिजी को दिखाने का इंतजार नहीं कर सकती। देखो मेरे पास क्या है, तुम्हें ये पसंद आएगा। हाँ, ये क्या है? ये मजेदार लगता है, ये मेरे गेम की तरह ही है। देखो मारियो कूद रहा है और अगर इसे घुमाएंगे तो ये हिलेगा, कितना कूल है। आपने देखा मॉम, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। अब मॉमी जा रही है। थैंक्स मॉम।
वाओ, मेरा टर्टल बढ़िया लग रहा है। मैंने उसकी अच्छी साइड कैप्चर की है। हाँ हाँ, जो भी हो अब जरा तुम मेरी ड्राइंग देखो। लगता है हो गया। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे कार्ड की स्ट्रिप्स चाहिए। इसके अंदर पेंसिल डाल देंगे। अब हमें एक बॉक्स बनाना है। अब बारी है मेरी रस्टी ग्लू गन की। एक कोने पर ग्लू लगाएंगे, इतना काफी है। अब पीसेस को साथ में जोड़ देंगे, बिल्कुल इस तरह। मुझे यही तो चाहिए। अब मुझे एक कार्ड चाहिए जिसमें होल्स हो। इन्हें बॉक्स के दोनों साइड पर लगा देंगे। अब इन होल्स में पेंसिल्स डालेंगे, एक के ऊपर एक रहेगी, एक यहाँ पर लगाएंगे। इन दोनों के निब्स उल्टे डायरेक्शन में होनी चाहिए। मेरा फ्रेम तो पूरा हुआ पर अभी ये खत्म नहीं हुआ। एक स्टिकी कार्ड लेंगे, इसकी बैकिंग हटाएंगे। अब इसे पेंसिल के आसपास लपेट देंगे, स्टिकी पार्ट को नीचे की तरफ। अब पेंसिल को घुमाएंगे, पेपर इसके आसपास लिपट जाएगा। दूसरा एंड दूसरी पेंसिल पर लगा देंगे। जी हाँ, ये तैयार है। अब मैं इस पर अपनी टर्टल की ड्राइंग लपेट दूंगा। हेजल की ड्राइंग तो बहुत बुरी है, तो अब देखते हैं। हे, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे आर्ट को बदलने वाला हूँ। ये देखो। एक सेकंड रुको, ये कमाल है। वाह, बढ़िया है ना? मुझे वो चाहिए, मैं खरीदूंगी। इतने काफी है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम्हारे साथ काम कर अच्छा लगा। वो ये बहुत भारी है। ये सबसे बढ़िया चीज है। मैं अमीर हूँ। ये क्रेयॉन मेरे लिए है। हाँ, ये परफेक्ट है। मतलब डायनासोर तो ग्रीन ही होते हैं ना। ये लो माइल्स, तुम्हारा डेस्क कितना गंदा हो रखा है। जरा इसे देखो, तुम्हें इसे साफ करना होगा। माफ करना, मैं ज्यादा ही क्रिएटिव हो गया हूँ। पर आप मेरी मदद कर सकती हो? मैं यहाँ काम कर रही हूँ। खैर, तो आप ये मिस कर रहे हो। हमें इसे ठीक करना होगा। एक सेकंड रुको। आपको मेरा डायनासोर पसंद आया है ना? अरे हाँ, तुम यही रुक जाओ। मुझे ग्रीन कार्ड की एक शीट चाहिए। इसे कार्डबोर्ड ट्यूब के ऊपर लपेट देंगे, एकदम कस कर, और बिल्कुल आखिर तक घुमा लेंगे। अब फालतू का हिस्सा काट देंगे। मैं एक और ट्यूब बनाऊंगी। अब मुझे थोड़ी ग्लू चाहिए। ट्यूब पर एक पतली सी लाइन बनाएंगे, इतना काफी है। अब इन्हें साथ में जोड़ देंगे। अब बाकी ट्यूब लगाएंगे। मैंने कार्ड में से डायनासोर की शेप काट ली है। ये रेड पीसेस ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर एक और लेयर लगा देंगे। आखिर में बस एक लैप चाहिए। अब इसका चेहरा बनाएंगे, इसकी मुस्कुराहट अच्छी होनी चाहिए। अब इसको साथ में जोड़ देंगे, इसका सर यहाँ लगाएंगे और लंबी सी बेबी टेल। आखिर में इसे चार पैर चाहिए। ये छोटा सा डायनासोर जो है, नीचे की तरफ कार्डबोर्ड बेस लगा देंगे, इतना काफी है। ओह माइल्स, देखो मेरे पास क्या है। मैं अभी बिजी हूँ। क्या ये डायनासोर है? कितना बढ़िया है। मैं जानती थी तुम्हें पसंद आएगा। ये तुम्हारे पेन्स और पेंसिल्स के लिए है। वाओ, जरा इसे तो देखो, इतना ग्रीन तो मैंने कुछ नहीं देखा। और इससे तुम्हारा डेस्क साफ रहेगा। बिल्कुल, और सबसे जरूरी ये डायनासोर है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। जरा रुको, ये ड्रॉइंग्स कहाँ से आ गई? इसे कुछ ज्यादा ही पसंद है, ये तो हर जगह है। मुझे लगा था आप ध्यान नहीं दोगे। मुझे शायद डायनासोर प्रॉब्लम है। हमें बात करनी होगी। बाद में करेंगे, अभी मुझे एक डायनासोर बनाना है। मुझे लग ही रहा था तुम ऐसा कहोगे। ओह, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे सुबह बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, ये ठीक नहीं हुआ। डैडी, बचाओ, ये एक इमरजेंसी है। ओह नहीं, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? स्वीटी, रुको, बस यही। मेरा टेडी बहुत दर्द में है। ये मुझे दो। देखो, कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारा टेडी बिल्कुल ठीक है। ये लो स्वीटी। थैंक्स डैडी, आप तो हीरो हो। हाँ, मैं हूँ तो। अब मैं अपना सीरियल खत्म कर लेता हूँ। शायद हमें डैडी के साथ प्रैंक करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है टेडी? मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, ये जरूर काम करेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। अब क्या हुआ? टेडी की लात देखो। ओह, इसे तो बहुत जोर से लगी है। बेचारा टेडी, हमें इसे ठीक करना होगा। उन्हें लगा ये असली है। रुको, मैं समझ गया। मैं जानता हूँ क्या करना है। पहले कार्ड से एक स्क्वायर पीस काट लें, ये मेरे बॉक्स की आउटलाइन होगी। अब इसे फोल्ड करना होगा, सब कुछ स्केच कर लेंगे, इससे ये और आसान होगा। अब बस इसे सजाना है। ये वाला पिंक परफेक्ट है। अभी और भी काम बाकी है। इसके लिए हमें व्हाइट पेन चाहिए। बॉक्स पर बहुत सारे डॉट्स बनाएंगे और इस पर हेलो किटी स्टिकर लगा देंगे। मुझे इसके लिए लेबल चाहिए। और अब हमें बैंडेज चाहिए। मैंने एक पेपर की स्ट्रिप काटी है, ये थोड़ी बोरिंग लग रही है, इसे पिंक कलर करते हैं। और अब थोड़ी टेस्ट बनाते हैं, ये परफेक्ट दिखना चाहिए। हाँ, ये हुई ना बात, इसे यहाँ लगा देते हैं। अब इधर से पेपर की एक स्ट्रिप चाहिए। बैकिंग को हटा देंगे और पीसेस को साथ में जोड़ेंगे। ये बैंडेड जैसी लग रही है, हालांकि उससे काफी बेहतर। अब मैं इसे बॉक्स में डाल देता हूँ, मैं इसे खोना नहीं चाहता। जी हाँ, अब टेडी की मदद कर सकते हैं। हनी, ये देखो। वाओ, टेडी को यही तो चाहिए। चलो इसे कट पर लगाएं, इसे ठीक हो जाएगा। ये क्या? ओ,
अच्छा। मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था। इस बार दर्द नहीं होगा टेडी। वाओ, टेडी तो बहुत ब्रेव था। हाँ हाँ बिल्कुल। जरा रुको, मेरा हाथ, इसमें से खून आ रहा है। मेरा अंतिम समय आ गया है। रिलैक्स करो डैडी, आपको इसकी जरूरत लगती है। मैं बैंडेड के बारे में तो भूल ही गया था, मैं तुम्हारे बिना क्या करता। लो लगाओ। वाह, हेजल बहुत सुंदर है, मैं उसे पूरा दिन देख सकता हूँ। देख देख कर मन नहीं भरता, लगता है मुझे प्यार हो गया है। चलो भी, मिल गया। वाओ, ऐसा कुछ नहीं है जो वो ना कर पाए, वो एक परफेक्ट लड़की है। ये क्या? ये गलती से हो गया। ये परेशानी की बात है। टेप भी अपने हिसाब से ही चलती है। मैं जानता हूँ क्या करना है। एक कार्ड के पीस में से एक लव हार्ट काट लेंगे। मुझे ऐसे दो चाहिए। ये हुई ना बात, इन्हें पिंक कार्ड से कवर कर लेंगे। अब इस कार्डबोर्ड की स्ट्रिप को पिंक पेपर से रोल कर लेंगे, बिल्कुल आखिर तक। इस पर ग्लू लगाएंगे, अब इसे सील कर देंगे। अब ये ठीक है। अगले पार्ट के लिए हमें ग्लू स्टिक चाहिए, इसे पूरी स्ट्रिप पर लगा देंगे। कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, इसे लव हार्ट के ऊपर रैप कर देंगे। ये एकदम परफेक्ट फिट आना चाहिए। थोड़ा सा सेक्शन खुला छोड़ देंगे, बीच में कार्ड का एक रोल लगा देंगे। अब हार्ट के बाहर की तरफ एक स्कैल्पल ब्लेड लगा देंगे। एक साइड पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, इसे दूसरे लव हार्ट पर चिपका देंगे। इसे कोने पर रैप करेंगे, पूरे कार्डबोर्ड को कवर कर देंगे। मुझे इसे सजाना चाहिए। अभी एक और चीज बाकी है, इसके अंदर एक टेप का रोल रखेंगे। अब ढक्कन लगा सकते हैं। हेजल को ये टेप डिस्पेंसर ही तो चाहिए। ये तुम्हारे लिए। क्या ये तुमने बनाया? वाह, चलो ट्राई करते हैं। ये कमाल है, इससे तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। थैंक्स माइल्स। ओ, मैं अपनी ड्राइंग पूरी करना भूल गया। ये बहुत बुरी लग रही है। हाँ बुरी तो लग रही है। रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। अरे वाह, अब काफी बेहतर लग रही है। थैंक्स हेजल। ये स्वादिष्ट था, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। चलो जल्दी डांस कर लेते हैं, मैं अपना फोन यहाँ रखती हूँ। ओ, मैं अच्छा लग रहा हूँ। हे, निकलो यहाँ से। ओ, तुम बुरी हो। हर बार ऐसे ही करता है। तुम्हें कहाँ थी? ये ठीक है, मैं अपना सैंडविच बॉक्स इस्तेमाल करूँगी। नहीं, ये काम नहीं किया। कोई परेशानी है? मेरी किटी मेरे लिए फोन पकड़ लेगी। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? ये देखना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये क्या है? एक सेकेंड रुको, शायद मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ, ये काम करेगा। पहले एक कार्डबोर्ड का पीस रोल करेंगे। मुझे एक छोटी सी ट्यूब बनानी है। अब मुझे टेप चाहिए, इससे ये साथ मिटेगा रहेगा। बस ये खुलना नहीं चाहिए। दोनों कोनों पर लगा देंगे। ये इतना भी अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। इसे व्हाइट पेपर से कवर कर देंगे, बिल्कुल इस तरह। अब कार्डबोर्ड से तीन सर्कल्स काटेंगे, इनमें से दो में होल करेंगे और एक के ऊपर एक रखेंगे। मैंने कार्ड से सर्कल्स को कवर कर दिया है। ट्यूब को होल में डालेंगे। अब हमें एक और कार्डबोर्ड की स्ट्रिप चाहिए, इसके अंदर कार्डबोर्ड का रोल डाल देंगे। स्ट्रिप को फोल्ड करेंगे और इसे चिपका देंगे। मैंने और सर्कल्स काटे हैं, इनमें से एक पर ग्लू लगाएंगे और इन्हें साथ में जोड़ देंगे। ये इसका चेहरा होगा और ये इसके कान। नीचे दो ट्यूब्स लगाएंगे, अब इसे स्टैंड के ऊपर लगा देंगे। ये हेजल के फोन का आइडियल होगा। हेजल, ये देखो। वो क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? बिल्कुल परफेक्ट एंगल है। वाह, तुम तो जीनियस हो माइल्स। चलो जल्दी आओ। ठीक है। हाँ चलो सेल्फी ले। मैं कब से इन मूव की प्रैक्टिस कर रहा था। ओह ये। यम्मी कुकी, यम्मी। ये तो बहुत बढ़िया था। हेल्प कहाँ पर लग जाते हैं? हाँ, मुझे वो पेन नहीं चाहिए, मुझे स्टिकी नोट्स चाहिए होंगे। मैं कुछ खास बनाने वाला हूँ। बेकिंग करने में अलग ही मजा आता है। हाँ, ये क्या? फ्लावर खत्म हो गया। मैं वो स्टोर से भी लाना भूल गई। स्नैक ब्रेक, मुझे अपनी एनर्जी बरकरार रखनी है। खैर क्या कर सकते हैं, इसे ग्रोसरी लिस्ट में डाल देती हूँ। हाँ, मेरे स्टिकी नोट्स कहाँ है? यहाँ पर और बहुत थे। माइल्स काफी बिजी रहा है। तो वो ये कर रहा था। ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा काम है। सारे इस्तेमाल मत करो स्वीटी, मम्मी को भी ये चाहिए। मैं जल्दी से एक नोट लिख देती हूँ, अब मैं ये भूलूंगी नहीं। इसे फ्रिज पर चिपका देते हैं। मैं अभी आती हूँ। कोई बात नहीं मॉम। हो गया, मुझे भूख लग रही है। देखते हैं फ्रिज में क्या है। ये क्या? ये फ्रिज में स्क्विशी टॉयज क्यों है? मैं बताती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है माइल्स, अपने टॉयज यहाँ मत रखा करो। वैसे काश ये असली डोनट्स होते, मैं पूरा बॉक्स खा सकती हूँ। लगता है ये तुम्हारे हैं। नहीं मॉम, इन्हें वापस फ्रिज में रख दो। ऐसा होता ही रहता है, मैं क्या कर सकती हूँ? एक मिनट रुको, मुझे से एक आइडिया आया। हाँ, क्या आपने कुछ कहा?
मुझे बॉक्स चाहिए, पर थोड़ी ऑल्टरेशंस करने की जरूरत है। पहले बीच में कट लगाएंगे, मुझे इसके दो सेक्शंस बनाने हैं। अब इसे सजाएंगे, इस पर ब्लू कार्ड लगा देंगे। ध्यान रहे कि ढक्कन फिट आ जाए। अब एक ग्लू स्टिक लेंगे, इसे पूरे बॉक्स पर लगा देंगे। मैं नीचे से शुरू करूंगी और इस पर ब्लू कार्ड लगाएंगे। हमें फ्लैप बनानी है, ऐसा ही नीचे के हिस्से के साथ भी करेंगे। अब नीचे के हिस्से पर एडहेसिव पेपर लगाएंगे, ऊपर के हिस्से पर स्टिकी नोट्स लगाएंगे। मैं जानती हूँ माइल्स ये कैसे इस्तेमाल करता है। अब फ्लैप्स को बंद कर देंगे। मैंने व्हाइट कार्ड से एक हैंडल बना लिया है, इसे यहाँ चिपका देंगे। इसे खोलना आसान हो जाएगा। अब ये फ्रिज जैसा लग रहा है। ओह माइल्स, देखो मेरे पास क्या है। वो ये तो कमाल है। वाओ, कितनी जगह है, इसमें मैं अपने पेंस रखूंगा। मैंने यही सोचा था, बहुत मजा आएगा। देखो मॉम, बहुत अच्छा कर रहे हो माइल्स। ये बस आखिरी है, इसे ऊपर लगा देंगे। इसके अंदर स्टिकर्स लगाएंगे। रुको, इसमें क्या है। वो स्टिकी नोट्स, ये तो और बेहतर होता जा रहा है। ये आपके लिए है मॉम। ओह, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें ट्रीट मिलनी चाहिए। एक कैरेट, आज का दिन मेरे लिए लकी है। वाओ, ये फिट आ गया, मेरा मिनी फ्रिज है। क्या माइल्स, खैर छोड़ो। बचाओ, मॉन्स्टर! रुको, मेरा फोन छूट गया। मेरा, ये मुझे दो। ये ठीक नहीं है। ओ नहीं, नहीं छोड़ दो। मिस्टर फ्लॉपी, ये लो। एक मिनट रुको, ये हमेशा से ऐसा दिखता है। Hey, ये तो बहुत कूल है। हेलो किटी मेरी फेवरेट है। और ये तो बहुत बड़ी है, इसकी पूंछ भी है। वाह, मेरी अपनी किटी कैट। लो, अब तुम हमारा हिस्सा हो। तुम पर ये कलर जचता है, ये देखो। हाँ, मैं तो जायंट पीच जैसी लग रही हूँ। मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। ओह, वाह, अब मैं क्या करूं? चलो नेल्स कर लेते हैं। जैसा तुम कहो, मुझे मैनिक्योर्स बहुत पसंद है, बहुत रिलैक्सिंग होते हैं। वाह, बहुत सुंदर है। ओह, लाइंस में नहीं रह सकी। हाँ, क्यों, मैं ऐसे नहीं जा सकती। मैंने भी अपने नेल्स खुद किए हैं। जो भी हो, नहीं ऐसे नहीं बेटी, तुम इसे हटा रही हो। हे, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हाँ, देखो और सीखो। यहाँ देखो, अब नीचे का हिस्सा काट देंगे। अब इसके आसपास कलर करेंगे और इस हिस्से को जैसा मन चाहे वैसे सजाएं। मैं बहुत सारे छोटे छोटे हार्ट्स बना रही हूँ, देखा। अब इसके ऊपर का हिस्सा बनाना है। सबसे अच्छे पार्ट के लिए तैयार हो, सारी नेल्स कलर कर लेंगे जैसा मन चाहे, बिल्कुल वैसे। मुझे पिंक और पर्पल बहुत पसंद है, बहुत प्यारा है। अब इन्हें यहाँ लगाते जाएंगे, बार्बी को ये बहुत पसंद आएगा। अब स्टिक इस्तेमाल करें, इसके आसपास फोम स्ट्रिप लपेट दें। जब ये सिक्योर हो जाए तो इस पर और नेल्स लगा दें। ये परफेक्ट है। अब इन्हें पहले से बने हुए होल्स में डाल दें। तो कैसा लगा, यहाँ अपनी उंगली लगाएं और नेल चिपका लें। हो गया। बहुत खूबसूरत है और कोई गंद नहीं मचा, मेरी तरह नहीं। मैं ट्राई कर देखूं। लो, ये अब तुम्हारा है। वाओ, ये बहुत आसान है, देखो। फैंटास्टिक, अब हमारे मैच हो रहे हैं, देखो। हाँ, हमने कमाल कर दिया है। बस तैयार है, अब इसे मैं मिलाऊंगी। नहीं, हाँ ही। देखो तुमने क्या कर दिया। माफ कर दो। हे, ये क्या है, मैं भी कुक करूंगी। ये दिलचस्प लग रहा है। कूल, चलो इसे मिलाएं। तुम्हें भी खुशबू आई जैसे स्मोक हो। मैगन, तुम ये क्या कर रही हो, गर्म प्लेट से खेलते नहीं है। किचन से बाहर निकलो। मैगन, तुम बाहर क्या कर रही हो, नाराज हो? हाँ, ये कहाँ से आ गया। चलो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले इस कार्डबोर्ड को पेंट करेंगे, हमें बहुत सारा ब्लैक पेंट चाहिए। अब अगले स्टेप की बारी, एक खुलने वाला दरवाजा बनाएंगे। टडा, अब हमें नॉब्स बनाने हैं।
पुरानी सीरीज बर्नर्स जैसी लगती है। ये कूल है ना? पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, मैं पूरा किचन बना रही हूँ। ये देखो लो, कितना सुंदर काउंटर टॉप है, जैसे मार्बल हो, पर इसमें कट लगा सकते हैं। लो, सिंक के लिए परफेक्ट है। पर पानी के बगैर सिंक कैसा? लो, जो मन चाहे ऊपर रख लेंगे। बहुत क्यूट है, बिल्कुल मेरे किचन की तरह। मेगन को ये बहुत पसंद आएगा, वो अपनी मनपसंद की चीजें यहाँ बना सकती है। तो तुम तैयार हो? वाओ, ये आ गए ग्रिल्ड वेजीज। तो चलो, मेरा सूप तैयार है। बढ़िया लग रहा है, कितनी दिलचस्प रेसिपी है। ये बैच तुम्हारा ही है। नहीं, तुम बुरे हो। चलो हटो, जाओ यहाँ से। मेरा बेर। आउच। मेरा सर। हनी, मेरे सर पर लग गई। हाँ, सब ठीक हो जाएगा स्वीटी। वाह, मैं उड़ सकती हूँ। सूख गया मेरा बेर। आउ। अरे डियर, एक मिनट रुको, मेगन को प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब स्पॉन्जेस काम आएंगे। ये इसके सर पर आ जाएगा। अब कोई नुकीली चीज तुम तक नहीं आएगी जब तक तुमने ये पहना हुआ है। वो। नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं, बस काफी है। ये लो, मेरा नया रेस्टोरेंट देखो। मैंने ये लाइट्स खुद लगाई हैं। चलो इस तरह, मुझे बहुत भूख लगी है। यम्मी, इतना अच्छा स्वाद नहीं है। मेगन, प्लास्टिक मत खाओ। बाल बाल बचे, मेरी व्हाइट चॉकलेट खा लो। लो, ठीक है। बहुत बेकार है। तुम्हें ये चाहिए? सच में तुम्हारी भी गलती नहीं है, पर वो प्लास्टिक है। हाँ, यम। नहीं रुको, गले में अटक जाएगा। शायद मैं कुछ बना सकती हूँ। एक बोल को व्हाइट चॉकलेट से भर लें। अब इसे पिघला लें। बढ़िया लग रहा है। अब इसे इस मोल्ड में डाल लें। हाँ, हर स्क्वायर में भर लें और फूड कलरिंग भी डाल लें। बस कुछ ही ड्रॉप्स डालेंगे और इसे इस तरह अच्छे से मिलाते जाएंगे। बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। अब इसे फ्रीजर में रखेंगे। हो गया, ये लेगो पीसेस जैसे लग रहे हैं, पर ये बिल्कुल सेफ है और इनकी खुशबू शानदार है। ये समझ नहीं आ रहा क्या है, तुम इसे पहले ट्राई करो। वाह, तुम्हें पसंद आया? यम। तुम्हें पसंद आया? अरे वाह, कमाल है। एक मेरा। चलो एक जॉइंट टावर बनाएं। ये तो बहुत ऊंचा है। उप्स, माफ करना, मुझे भूख लगी है। हैप्पी न्यू ईयर मॉम, चलो सेलिब्रेट करें। वाह, क्या बात है, मैं इसे जला देती हूँ। वाह, लो हो गया। एक और ले आओ। वुहू, देखो मेरा ज्यादा तेज चल रहा है। ये बहुत सुंदर है, देखो। वाह, तुम्हें न्यू ईयर ईव पसंद है ना? ओह, तुम्हारा हाथ। नहीं। अरे यार, जरा इसे देखो। उदास मत हो, सब ठीक है। बिंगो। एक मिनट रुको, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। हेयर, ये कैरेट लेंगे और स्पार्कलर का कोना इसमें लगा देंगे। लो, अब ये सेफ है। अब इसे पकड़ो। वाओ, कूल। वाह, जरा मेरा देखो, ये जल रहा है। वाह। Yeah! Happy New Year! अरे यार, तुम बीमार हो। ओह, अच्छा। ओह, तुम गीली हो गई।
माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई बात नहीं हनी। ओह बकवास। हे भगवान, मैं निकाल लूंगी। बहुत ज्यादा है, मैं अब थक गई हूँ। बहुत ही बुरा जुकाम है, अब दवाइयाँ चाहिए होंगी। तुम्हें बहुत जल्दी बेहतर महसूस होगा। अब अपना मुंह खोलो। बहुत अच्छे। मुझे लग ही रहा था, बहुत ही ज्यादा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं? अभी बस इंतजार ही करना होगा। लेकिन हम इसका नाक साफ कर सकते हैं। पहले बॉटल में पानी डालेंगे, आधा काफी है। अब नेजल रिंस मिक्स डालेंगे, इसे थोड़ा डिसॉल्व होने देंगे, ऊपर से बंद कर देंगे और ये खास एंड पीस लगाएंगे। तुम तैयार हो? तुम्हें इससे बहुत आराम मिलेगा। देखा, ये बाहर निकल रहा है। बस थोड़ा सा और। बिंगो। वो, ये मेरी नोज में था। मैं सांस ले पा रही हूँ। रुको। नहीं हुआ? ये हुई ना बात। हे हे, क्या हम डॉग ले सकते हैं? पर तुम्हारे हैमस्टर का क्या? वो अच्छा नहीं हुआ। और तुम्हारी फिश, वो सिर्फ एक वीक तक ही रही। नहीं, माफ करना हनी। नहीं, आप मेरी जिंदगी खराब कर रही हैं। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। शांत हो जाओ। वो और किसके साथ खेल सकती है? उसे अपने टॉय जरूर पसंद होंगे। तो उसके पास एक नकली पेट होगा। देखो, एक कार्डबोर्ड डॉगी। वुफ वुफ। ओह, क्या ये मेरे लिए है? वाओ, ये मेरा नया बेस्ट फ्रेंड है। ये डॉगो, कार्डबोर्ड से काम चल गया। उड़ो डॉगो उड़ो। हाँ, 5 बजे मैं कर सकती हूँ, या फिर 6 बजे बढ़िया रहेगा। वैसे मैं वापस कॉल करती हूँ। ये मेरा डेस्क है ना? ये नहीं, अब ये बार्बी विलेज है। बहुत अच्छे, मैं दूसरे कमरे में काम कर लेती हूँ। आखिरकार थोड़ी शांति। मॉम, ये मेरी बार्बी का हाइड आउट है, आप जाओ। क्या ये अब बार्बी फ्री जोन है? आखिरकार मेरे पास बहुत काम है। ये सब क्या है? मॉम, आप प्लीज जाएंगी? क्या? बस बहुत हुआ, अपने कमरे में जाओ। बुरा हुआ। चलो जाओ, चलो देखें कौन ज्यादा मॉर्टेज पे करता है। मुझे विश्वास नहीं होता, मैं कहाँ खेलूं? एक मिनट रुको, अब क्या हुआ? एनी, प्लीज रो मत। नहीं, देखो आपने क्या किया, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अब वो स्ट्रीट पर आ गई है। हाँ, इससे मुझे आइडिया मिला, पर पहले हम कट करेंगे। इस तरह का पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इसे खड़ा करेंगे। पेपर टॉवल रोल्स की मदद से ये जुड़े रहेंगे। देखो, एक डोर, एक स्ट्रिंग से हम मैकेनिज्म को क्रिएट करेंगे। देखो, और फिर इस तरह बंद करेंगे। और बार्बी के लिए हम हॉट पिंक इस्तेमाल करेंगे। ब्लैक से ये और स्पेशल होगा। आपको कैसा लगा? एनी, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया, एक कैसल। रुको, टाडा, अंदर आ जाओ, घर में स्वागत है। अब मेरे पास काम है। मैं कहाँ थी? हेलो, हाँ, ट्यूसडे के बारे में क्या? अंदर जाओ लड़की। वाओ, बढ़िया कैसल। हे, बेकार वीडियो। ओह नहीं, कल 16th है। बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी तक पढ़ना शुरू भी नहीं किया। मैं पूरी रात उठूंगी। मुझे विश्वास नहीं होता। चलो देखें, क्या कभी हमने पढ़ा है? ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करो। मैं ये कर सकती हूँ, चलो भी। रुको, क्या ये ठीक है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
क्या ये ए है या 12? हनी, क्या आज भी तुम देर तक पढ़ोगी? लाइट्स ऑन करो। खैर, ये नया है, मुझे लगता है वो फ्यूज हो गया। कितना बुरा हुआ। रुको, मेरे पास आइडिया है। इस पेपर कप को देखो, इसके ऊपर बहुत सारे हार्ट्स बनाओ, सारे साइजेस में, बिल्कुल ऐसे। नीचे की तरफ एक और, यहाँ, फिर इन्हें कट करें। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हार्ट इस सर्कल पर बनाते हैं, इस बार अच्छा और बड़ा। फिर आपने सही गैस किया, कप याद है, इस सर्कुलर पीस को ऊपर रखें। यहाँ, बढ़िया। देखो मैं इस कार्डबोर्ड को कैसे रख रही हूँ, एक छोटा होल यहाँ बनाएं, फिर ऊपर से एक स्ट्रॉ डालें और कप को इसके ऊपर रखें, ऐसे। अब लाइट कॉइल की बारी, बाहर मत गिरना, और हमारे पास लाइट है। क्या किसी ने डेस्क लैंप ऑर्डर किया था? क्या ये लाइट है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत कूल है, और इससे वॉल्स पर हार्ट बने हैं। शुक्रिया। बिल्कुल, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ये सब हो गया, बढ़िया। ओह नहीं, रुको, क्या ये मेरी पैंट्स है और तुम्हारी स्वेट शर्ट? हनी, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास बैड न्यूज है। क्या ये श्रंक हो गई? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर ऐसा होता रहता है। क्या लगता है ये ड्रेस बन सकती है? ये काम नहीं कर रहा, या शायद कर रहा है। कोई पुराना बॉक्स पड़ा है, सही कट्स की मदद से ये बढ़िया बन सकता है। तुम्हारी फ्लाइट अच्छी हो हनी। हे मॉम, रुको लूना, नहीं, इमरजेंसी लैंडिंग। मैंने तुम्हारे लिए नया बैकपैक लिया है, बढ़िया, मुझे पसंद आया, और ये पिंक है, और आप बेस्ट है। वो, हम बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। बढ़िया टी है ना? मेरे पास कुकीज भी है, सिप करना चाहोगे? यम्मी। तो मैं कह रही थी, ओह तुम्हें उधर जाना है, बढ़िया, एक बार की बात है। वहो, ओह नहीं, बैक पैक, तुम कहाँ हो? हाँ, मैंने क्या कर दिया? बेकार विंडी डे, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मॉम। हाँ, जल्दी करो आनी। हाँ, मॉम मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगी। क्या मैं ये बॉक्स ले जाऊँ? ये बैकपैक की तरह ही है। ओह, मार्कर्स। वो, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं फिर कॉल करती हूँ। एनी, तुम अपना बैकपैक क्यों नहीं लेती? वो चला गया। ठीक है, वो हवा के साथ उड़ गया। ये सब मेरी गलती है। ओह हनी, रुको, तुम्हारा पैच। मेरे पास शानदार आइडिया है। अभी वापस आई। देखो, एक किटी हेड शेप। ये बढ़िया है, थोड़े कलर्स बढ़िया रहेंगे। इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कार्डबोर्ड है। ऐसे, जब ये सूख जाए तो थोड़े फीचर्स ऐड करें। ओह, बहुत प्यारी है, विस्कर्स और बो नहीं भूल सकते। अब बैक साइड के लिए बॉर्डर पर हॉट ग्लू लगाएं, और फिर स्ट्रिप वाला कार्डबोर्ड नीचे लगाएं, और फिर टॉपर। ओह एनी, देखो मैंने क्या बनाया। क्या ये पर्स मेरे लिए है? ये बहुत प्यारा है, और मैं इसमें बहुत सारा सामान डाल सकती हूँ, मेरे सारे पेंस भी। ये ठीक है, स्कूल जाने का समय। ये सब ऑपरेशन के ऑर्डर का खेल है। ठीक है, कोई आएगा? चलो, ठीक है, मुझे नहीं पता। ये क्यूटिकल्स, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। रुको, क्या मैंने 7 से माइनस किया? ये सही नहीं हो सकता, कुछ भी सही नहीं है।
लूना तुम कुछ नहीं करोगी? ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है ना, साथ में मेरा कैलकुलेटर। वो क्या बात है, मैं इसे अपना मैथ डिस्ट्रेसर बोलती हूँ, ये सारी कैलकुलेशन करता है। मुझे लूना आइंस्टाइन कहो। कमाल कर दिया, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। इतनी स्मार्ट कि कैलकुलेटर है मेरे पास। क्या उसने मुझसे पहले कैसे किया? मुझे मैथ क्लास नहीं पसंद। आज बहुत कुछ पढ़ाना है। ओह, यही रुक जाओ मिसी। तुम क्या छिपा रही हो? आहा, एक बनाना। तुम रूल्स जानती हो, कोई खाना नहीं। ठीक है मैं अभी खा लेती हूँ। ठीक है फिर। मुझे लोगों को खाते हुए देखना पसंद नहीं। हो गया। हे, तुम ऐसा नहीं कर सकती, जाके इसे उठाओ। सच में? ठीक है। ओ नहीं। ओ यार, एक शू। ओ, आओ। मुझे छोड़ के सब उड़ गया। कितने हैवी हैं? इसके अंदर क्या है? चीट नोट्स? विश्वास नहीं होता, ये बनाना नहीं है। कुछ कहना चाहोगी? नहीं, शर्म आनी चाहिए, मेरे साथ गलती होता जा रहा है। ओ स्टूपिड बनाना, अब मैं क्या करूंगी? मुझे नोट्स की जरूरत है, तो मैं इसे अपने साथ रखूंगी। मैथ प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन। उम्मीद है यहाँ काफी जगह हो, तो चलो। लेकिन रुको, बह, इसका थोड़ा भेस बदलते हैं। इसे कवर करे बगैर मैं अंदर नहीं जा सकती, ये डिजाइन जैसा लगना चाहिए। देखा शू डिजाइनर्स, ये देखो नया ट्रेंड आया है। चलो अब इसे पहनकर टेस्ट देने चले। मैं वापस आ गई टीच, यही रहो। नोट्स? बिल्कुल, मेरे पास कुछ नहीं है, देखो। ठीक है अंदर जाओ। बाय। बाल बाल बची, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आंसर्स मेरे पास है। काफी सही लग रहे हैं। लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री मुश्किल है, मुझे मेरा ए प्लस दिख रहा है। बहुत प्यारा है ना? हाँ, समय पर आ गया। क्या ये टिमी है? उसके बालों को देखो। वाओ, कुछ कर दिखाने का समय है। ऑप्सीज। हाँ, हाय, कैसे हो? ओह हे, तुम्हें लगता तुम उसे खुश कर लोगी? दो लोग भी पसंद आ सकते हैं, मैं भी करूंगी। ओ नहीं, मेरा स्वेटर। ओ यार, विश्वास नहीं होता। अब क्या, किसी का दिन बहुत बुरा है, मेरी दिक्कत नहीं है। ये मेरी फेवरेट स्वेटर है। एक मिनट, ये नीटिंग निडल जैसी लग रही है। चलो स्वेटर को ठीक करते हैं, पुराना निकालते हैं, नया डालते हैं। ठीक है अब इसे इसके अंदर से डालते हैं। अब थ्रेड को पुश करते हैं, फिर इसे यहाँ से निकाल देते हैं। स्नैप स्नैप। अब हमें स्टिकी नोट चाहिए और डबल साइडेड टेप भी। थ्रेड का एंड इधर चिपकाते हैं, अब जितना थ्रेड चाहिए उतना मिलेगा। अब एक डिजाइन बनाते हैं, और ये कितना जबरदस्त है। लगभग हो गया, देखो अब एक्स्ट्रा धागे को काट देते हैं। कितना प्यारा है, मैंने इसमें अपना दिल बना दिया, देखा। चलो, हाँ ये तुम्हारे लिए है, क्या तुम लेना चाहोगे? ओह वाओ, क्या ये दिल है, वो मुझे पसंद करती है। मुझे कभी भी कॉल करना, मैं इंतजार करूंगा। ये सच में? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो मेरा टिमी है। तुम्हारा मतलब मेरा टिमी? बेहुदा, कितना अच्छा है। हाँ हाँ समझ गई। हाँ मुझे भी कॉल आया है। हाँ शायद मेरे पास आज टाइम है। हाँ मेरे पास समय है, मुझे लगता है। कोई बात नहीं, मुझे भी बड़ों जैसी वॉच चाहिए, तो मैं एक बना लूंगी। चलो हाथों पर बनाएं।
मैं अभी कॉल करती हूँ। तुम्हें वॉच चाहिए? हाँ हनी, इधर आओ, चलो तुम्हारे लिए वॉच बनाए। पहले वॉच का फेस, फिर फ्रेम बनाते हैं। इसे उल्टा करें और पिछला हिस्सा लगा दे। बढ़िया, अब मजेदार हिस्से की बारी। हेलो किटी, तुम थोड़ी देर ऐसे ही रहो, बैग पर ये पीस लगाएं और कलर करें। पिंक बुरा तो नहीं है, है ना? अब इसे अटैच करते हैं। अब तुम्हारी पसंदीदा वॉच तैयार है, देखो। एवा, ये देखो। वाओ, इसे पहना दीजिए। क्या ये मेरे लिए है? मुझे जानना इसमें क्या समय हुआ है। ये ठीक है, वापस काम पर लगते हैं। हाँ मैं भी। हाँ मैं सुन रही हूँ। ये लगभग हो गया। तुम्हारा कैसा चल रहा है? एवा, मैजिक ट्रिक देखना चाहोगी? ठीक है, तुम्हारे कान के पीछे कुछ था क्या? मैं अमीर हो गई। क्या और भी कुछ है? चलो देखें। वाह, मुझे गेम पसंद आई। एक और है, ये मजेदार है, इसे नहीं भूल सकते। और ये भी है, और यहाँ, सही कहा, जरा इन सारे कॉइन्स को तो देखो। वाह, ये सब तुम्हारे हैं। वाह बढ़िया, मुझे इसे सुरक्षित करना होगा। वो ये तो बहुत छोटा पाउच है, मुझे नहीं लगता इसमें सारे आएंगे। अंदर चलो। चलो भी। मॉम देखो, ये नामुमकिन है। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब देखो, पहले कार्डबोर्ड को कवर करो। अब छोटे वुडन पेग्स इस पर लगाएं, उनके ऊपर स्प्रिंग डाल दें। अब ये पीस यहाँ लगाएं और कार्डबोर्ड पीस के साथ इसे अटैच करें। अब इस वुडन पीस को चिपका दें। इसमें अब कॉइन्स डालो। बॉक्स को बंद करने का समय है। हो गया। और इसे और मजेदार बनाने के लिए इसका प्यारा चेहरा बना दो। किसी को कॉइन्स चाहिए? ये लो, इसमें तुम्हारे सारे कॉइन्स आ जाएंगे। लेकिन कैसे? मैं दिखाती हूँ। तैयार हो? अब इसे टंग पर रखो और पुश करो। ठीक है, अब तुम ट्राई करो। बढ़िया, ठीक है, तो चलो। बॉन एपेटिट, इसके अंदर जा रहा है। वाओ, ये मजेदार है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। वुहू, क्या हुआ, उसे अभी भी भूख लगी है। ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। तुम्हारी पेमेंट बाकी है। जरूर रुको, शायद मेरे पास पैसे हैं। तुम ये स्प्रिंग लेते हो? माफ करना, मेरे पास यही है। नहीं, बहुत हुआ, चलो निकलो यहाँ से। स्ट्रिंग लेते हो? ये बेइज्जती वाली बात है। अब तुम्हें रहने के लिए नई जगह ढूंढनी होगी। ये आराम से बिक जाएगा। मुझे अपना काम पसंद है, लोग मुझे पसंद करते हैं। ये डेकोरेशंस कब हुई? यहाँ हुआ क्या है? घर बिकने पर लगा हुआ है। कैसे? हमें निकाल दिया गया? ये कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। कितना कबाड़ है। हाँ, अब क्या करें? मॉम, ये क्या है? ओह, तुमने देख लिया? हमें घर बदलना होगा, ये तो बहुत बेकार है। एक सेकंड रुको, लगता है मैं जानती हूँ क्या करना है। हमें बस ये बॉक्सेस चाहिए, ये वाला यहाँ रखेंगे। अब मुझे अपनी ग्लू गन चाहिए। बॉक्स के ऊपर ग्लू लगा देंगे। अब इसके ऊपर एक और बॉक्स चिपकाएंगे। अब इसके साइड में भी ऊपर और बॉक्सेस रखेंगे। अब हमें एक कार्डबोर्ड ट्यूब चाहिए। बॉक्स के साइड में ग्लू लगाएंगे, इतना काफी है। अब ट्यूब को बॉक्सेस के ऊपर लगाएंगे। कुछ मिसिंग है, मैं समझ गई, ये इसकी रूफ होगी। फिट एकदम परफेक्ट है। अब इसे सजाएंगे, बस थोड़ी सी डिटेल से ये अलग दिखने लगेगा। अब इसके ऊपर टाइल लगा देंगे, मैंने ये लेमन कार्डबोर्ड से बनाया है। ये छोटे छोटे पॉम पॉम्स लगाएंगे, कितना मजेदार लग रहा है। ये कलरफुल होना चाहिए। और ये है फिनिशिंग टच, ये बन गया मेरा खुद का लेमनेड स्टैंड। ओह, मैं तो भूल ही गई, मुझे लेमनेड चाहिए। लगता है सब हो गया, मुझे बहुत खुशी है। अब रिबन काटते हैं। हमारी दुकान खुल गई है, अब हमें बस कस्टमर्स चाहिए।
बहुत गर्मी है। हे, एक ग्लास दे देना, मुझे यही चाहिए। तुम्हारे सब घूमकर अच्छा लगा। वाओ, मुझे लेमोनेड पसंद है। चलो हमें दो देना प्लीज। चलो भी पैसे ले लो। चलो हटो यहाँ से। मुझे 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 दो। वो मैं अमीर हो गई। मॉम ये देखो, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। बैंक लूटना कोई अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है। अरे चलो मैं दिखाती हूँ। मैंने एक लेमोनेड स्टैंड खोला है। मुझे तुम पर गर्व है, तुमने कमाल कर दिया। रुको, तुम्हारे पास कस्टमर्स आए हैं। ये तो बहुत है, आज का दिन बिजी होगा। अगला कौन है? तो क्लास, इसका जवाब कौन देना चाहेगा? मैं। क्यों ना सनी दे। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप मुझे ही बुलाओगी। ओह, काफी ऊंचा है ये लो चौक। और बताओ, मैं सही ही बताऊंगी। सुनकर अच्छा लगा। ये सही जा रहा है। बहुत अच्छे, हो गया। ये क्या है? टीचर, ये कोई मजाक है? हाँ, होगा ही, और कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने कैसा किया? मैं देखती हूँ, मतलब ये इंटरेस्टिंग है, पर इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे लगा आंसर 4 होगा। और ये क्या? ये नंबर 5 है। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कैसे ठीक करूं? समझ गए। पहले हमें कार्डबोर्ड का एक लंबा सा पीस चाहिए। अब इस पर हम नंबर्स ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब इन्हें काट देंगे और बीट से सजाएंगे। कितना कलरफुल हो गया। अब हमें यही चाहिए। ये नंबर्स की स्टेंसिल है। वो काफी बढ़िया है, अच्छा आइडिया था। ये लो, ट्राई करो। मैं इसे बोर्ड के आगे लगाती हूँ। अब स्टेंसिल से नंबर्स ड्रॉ करेंगे। ये अब काफी आसान है। काश मेरे पास ये पहले से होता। मैं जानती थी ये काम करेगा। हो गया। बहुत अच्छा किया सनी, इसे A+ मिलना चाहिए। मुझे तुम पर गर्व है। वाह, सच में? वो हाँ, तो चलो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। ओ, क्या घुमाया है हनी। बॉक्स के अंदर क्या है? ये क्या? ये तो क्रेडिट कार्ड है। वाह, कमाल है। मैं इसे इस्तेमाल करने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं बहुत खुश हूँ। मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। शायद मुझसे गलती हो गई है। मेरी सॉक कहाँ है? वो यहीं पर थी। मेरा एयरपॉड भी खो गया। मैं समझ गई। हाय मॉम, कोई मदद चाहिए? ये मेरी चीजें हैं। नहीं, ये मेरी हैं और पैसे लगेंगे। ये कोई मजाक है? लाओ कैश मुझे दो। मैं अपनी ही चीजें नहीं खरीदूंगी। मैं जा रही हूँ और मैं अपनी सॉक लेकर जाऊंगी। हाँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? आप इनके पैसे देना भूल गई। मेरे पास और टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप जेल में जाओगी। ये सब आप पुलिस वालों को बताना। लिजी, क्या कर रही हो? मैंने आपको मौका दिया था, फिर मिलेंगे। लिजी, वापस आओ। ये बुक बहुत दिलचस्प है। मैं नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। हाँ, अच्छे लग रहे हैं। लगता है मैं तैयार हूँ। हाँ, जरा इसे देखो, मजेदार लगता है। मेरे नेल सलून में आपका स्वागत है। मुझे मैनिक्योर ही करवाना था। मुझे अपने नेल्स दिखाओ। ये तो बहुत बेकार है। आपका नेल टेक्नीशियन कौन है? इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्या मतलब? ओह, तो ऐसी बात है। ठीक है, शायद इससे तुम्हारा मन बदल जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता, हमारी स्टैंडर्ड्स हाई है। मेरे पास सिर्फ यही है। बहुत चीप है। ठीक है, आप मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकती हो। एक सेकंड रुको, ये मेरा है। ये जरूरी नहीं है कि किसका है मॉम। अब आप पे करोगे? पता नहीं मैं ये क्यों कर रही हूँ। शुक्रिया, बैठ जाइए। अब मैं इंतजार नहीं कर पा रही। मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करती हूँ, जैसे ये ऑटोमेटिक नेल एप्लीकेटर। ये एक्सक्लूसिव है और आप बहुत लकी हैं। वाह, काफी फ्यूचरिस्टिक है। मुझे इस पर गर्व है, मैंने ये खुद बनाया है। पेपर कप में होल करेंगे, अब इसे उल्टा कर देंगे
अब इसे आधे में काटेंगे, ऊपर का हिस्सा एक तरफ रख देंगे। ये थोड़ा आम ही लग रहा है तो इस पर कलर करते हैं। पहले एक पिंक पेन लेकर इस होल के आसपास ड्रॉ करेंगे, पतली सी लाइन बनानी है बिल्कुल इस तरह। अब एक लव हार्ट बनाएंगे, ये बहुत प्यारा होना चाहिए। ऐसे ही और हार्ट बनाएंगे, वो भी अलग अलग कलर्स के, ये अच्छा लग रहा है। अब कप को सीधा करेंगे, इसके ऊपर ये बारबी ड्रॉइंग रखेंगे। अब नेल्स का डिजाइन बनाएंगे, मैंने पेपर की स्ट्रिप पे बना लिया है, इन्हें कलर कर लेंगे, ये बहुत अनोखे होने वाले हैं। वाह बहुत कलरफुल है। अब इन्हें काट लेंगे और कप पर लगा देंगे, इससे लोगों को पता चलेगा कि यहाँ क्या क्या होता है, वो जो चाहे वो चुन सकते हैं। अब एक बारबी का साइन लगा देंगे। अभी और भी काम करना बाकी है, मुझे वुडन रॉड चाहिए और पतली सी फोम की स्ट्रिप। इस स्टिक के आसपास कार्ड लपेट देंगे, एकदम टाइट रखना है और इसे यहीं पर रोक देंगे। अब नेल को फोम पर लगाएंगे थोड़ी जगह छोड़ते हुए, ये बढ़िया लग रहा है, ये फोम पर लग चुके हैं। अब इसे कप में लगाना होगा, ये आसान होगा। अब ये तैयार है, चलो ट्राई करो। इस होल में अपनी उंगली रखो, फोम घूमेगी और डिजाइन नेल पर लग जाएगा। वाह जरा इसे देखो। अब बाकियों पर भी करना है, तो कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आए, कितने स्टाइलिश है। आप कमाल की लग रही हो। थैंक्स स्वीटी। मुझे फोकस करना होगा, आराम से, बस हो ही गया। वाओ ओ, कितना कूल था, ये कमाल का जा रहा है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुको, नहीं अब नहीं, ऐसा क्यों होता है? लिजी तुम ठीक तो हो? मॉम को बताओ क्या हुआ? गेम ये खराब हो गया, बहुत बुरा हुआ। ओ, मुझे इसे ठीक करना होगा। ओह ये पुराना टेडी काम आएगा, देखो मेरे पास क्या है। सच में मॉम? देखो कितना प्यारा पिगी है, इसे मुझसे दूर करो। अब बस ये कार्डबोर्ड बचा है, इससे लिजी खुश नहीं होगी। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, लिजी को ये बहुत पसंद आएगा। पहले कार्डबोर्ड के कोनों पर लाइन बनाना शुरू करेंगे बिल्कुल इस तरह। अब मुझे कैंची चाहिए, लाइन के साथ साथ काट लेंगे, ज्यादा बड़ा कट नहीं बनाना, इसके हर लाइन पर ऐसे ही करेंगे, ये परफेक्ट है। अब साइड्स को फोल्ड कर देंगे, कट से ये और आसान हो जाएगा। अब मुझे ग्लू गन चाहिए, थोड़ी सी ग्लू यहाँ लगाएंगे, ऐसे ही हर कोने पर और बॉक्स के अंदर एक कार्डबोर्ड की स्ट्रिप डाल देंगे, ये अच्छे से फिट होनी चाहिए और इसे ग्लू से चिपका देंगे। स्ट्रिप के नीचे की तरफ मैंने ग्लू से एक लाइन बना दी है। अब हमें एक वुडन रॉड चाहिए, मैंने सोडा बॉटल कैप में ही एक छेद कर लिया था, इसके अंदर रॉड डाल देंगे, ये बिल्कुल बीच में आएगा। अब हमें एक टॉयलेट पेपर ट्यूब चाहिए, इसमें एक और रॉड डालेंगे और इन्हें बॉक्स में लगा देंगे। इस ड्रॉइंग को ट्यूब्स पर लपेट देंगे, सोडा कैप के ऊपर भी टेप लगाएंगे और इसे खींचकर यहाँ तक ले आएंगे, इस पर मारियो लगाएंगे, अब कवर लगाएंगे। अब बस इसे पेंट करना बाकी है, मैं लिजी को दिखाने का इंतजार नहीं कर सकती। देखो मेरे पास क्या है, तुम्हें ये पसंद आएगा। हाँ ये क्या है? ये मजेदार लगता है, ये मेरे गेम की तरह ही है। देखो मारियो कूद रहा है और अगर इसे घुमाएंगे तो ये हिलेगा, कितना कूल है। आपने देखा मॉम, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, अब मॉमी जा रही है। थैंक्स मॉम। चलो पार्टी करें दोस्तों, सेल्फी। हे दरवाजा खोलो। तुमने कुछ सुना, कौन होगा? हाय यहाँ क्या हो रहा है? तुम बच्चे और तुम्हारा म्यूजिक। मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। क्या ग्रैनी को किसने बुलाया? ग्रैनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें दिखाती हूँ, कोई ग्रैनी ये कर सकती है। क्या बात है, मुझे अच्छा लगा। हाँ इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे आवाज कम ही रखनी चाहिए थी। तुमने देखा, अब हम क्या करें? जरा देखो हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, ग्रैनी तो बहुत गुस्से वाली थी। कोई बीट बॉक्स करता है? ये पार्टी खत्म हुई, चलो चलें लेडीज। पर क्या बकवास है, कम से कम मेरे पास स्नैक्स और ड्रिंक्स तो है और ये सारी मेरी है। ओह मुझे एक आइडिया आया,
मुझे एक लंबी कार्डबोर्ड ट्यूब चाहिए और ये साइज परफेक्ट है। अब मुझे अपना फोन चाहिए, बिल्कुल नीचे की तरफ एक लाइन बनाएंगे, यही तो चाहिए। अब इसे इस तरह काट देंगे और इस पर पेंट कर देंगे। मुझे पर्पल बहुत पसंद है। पूरी ट्यूब को इससे कवर करेंगे। जब ये हो जाए तो मुझे दो ऐसे कप्स चाहिए। इसमें होल्स करेंगे और ट्यूब की दोनों साइड पर लगा देंगे। इस तरह ये तैयार है। ये मेरा खुद का स्पीकर सिस्टम है। चलो ट्राई करें। इस स्लॉट में फोन लगा देते हैं और म्यूजिक ऑन करते हैं। चलो डांस करें। ये हुई ना बात। बहुत अच्छी पार्टी है ग्रेस। लगता है सब तैयार है। ओह हे मिंडी, तुम आ ही गई। तुम सच में आ रहती हो? खैर हाय। चलो चलो बैठो आराम से। तुम्हें चिप्स पसंद है ना? मुझे बहुत पसंद है। हाँ शुक्रिया, मुझे भूख लगी थी। हाँ ये काम नहीं कर रहा, मैंने अभी ही मैनीक्योर करवाया है ना। मैं पहुँच नहीं पा रही। अरे यार मुझे चिप्स चाहिए। बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ अब कर देखती हूँ। मेरा नेल, मेरा सुंदर नेल, ये सब तुम्हारी गलती है। वो इतनी जल्दी नहीं, आराम से, मैं ठीक कर सकती हूँ। मुझे बस ये कोस्टर्स चाहिए। खैर सिर्फ कार्डबोर्ड के पीसेस हैं। ये देखो इन्हें टेबल पर रखते हैं। मुझे अपनी ग्लू गन चाहिए। हम इसके कोने पर ग्लू लगाएंगे, सिर्फ एक ही साइड पर लगाएंगे और इसे दूसरे पीस से जोड़ देंगे। अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। मेरे पास एक और पीस है जिसमें से सर्कल काटा था, ऐसा ही उसके साथ भी करेंगे। इसे यहाँ लगा देते हैं। अब स्क्वायर पर कार्डबोर्ड का एक गोल पीस लगाएं, इसे बीच में लगाएं, ऐसा ही दूसरी साइड पर भी करें। अब सर्कल्स के आसपास कार्डबोर्ड को रैप कर दें, इस स्ट्रिप से इसे टिका दें। ये सिक्योर हो गया। दोनों एंड्स पर होल कर दें। अब इसमें वुडन स्क्यूअर लगा दें। ये परफेक्ट है। अब इसे बॉक्स में डाल सकते हैं। मैंने एक साइड पर होल किया है ताकि ये टिक जाए और ये घूमना भी चाहिए। अब बॉक्स को पूरा कर देते हैं। ऊपर कार्डबोर्ड डिस्क लगाएंगे, दो और बॉक्सेस बनाएंगे। अब ये पूरा नहीं हुआ, कार्डबोर्ड का पीस काटेंगे और इस पर ग्लू लगाएंगे। ये मेरा बेस होगा। इसे अच्छे से टिकाए रखें, ऐसा ही दूसरी साइड पर भी करें। अब नीचे की तरफ कार्डबोर्ड का एक लंबा सा पीस लगाएं। अब मैं अपने बॉक्सेस लगा सकती हूँ। इसे टॉप के साथ ही अरेंज कर दें। ये बढ़िया लग रहा है। हमें चिप डिस्पेंसर मिल गया। वो कमाल है। मैं ये वाला चुनूंगी। ये काम नहीं कर रहा, कैसा मजाक है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। डिस्क घुमाओ और जब सीधा कप में आएंगे। वाह कितना कूल है। और मेरा नेल भी नहीं टूटा, मेरा फेवरेट। मुझे भी भूख लग गई। मैं भी ट्रीट डिजर्व करती हूँ। बहुत अच्छे हैं। पता है ये इतना भी बुरा नहीं है ना, कमाल है। ये ड्रॉइंग अच्छी लग रही है। मैं और क्या करूँ, मैं अपनी टॉयज के साथ खेलती हूँ। येलो, मुझे डायनासोर बहुत पसंद है, कितने कूल हैं। सबसे अच्छे पेट वही होंगे। खैर तुम्हें कहा थी। ओह हाँ, ओह जरा ग्रेस को देखो, उसकी इमेजिनेशन कितनी एक्टिव है। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाती। मुझे सोचने दो। ओह उसे वो बहुत पसंद आएगा, पर वो बहुत महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? एक सेकंड रुको, शायद मैं उसके बजाय कुछ बना सकती हूँ। मुझे बस कार्डबोर्ड चाहिए। शुक्र है मेरे पास बहुत सारा है। पहले इस बड़े बॉक्स से शुरू करेंगे। अब मुझे कैंची चाहिए। इस फ्लैप पर इस तरह डायगोनल कट लगाएंगे और बिल्कुल नीचे के कोने तक। ऐसा ही दूसरी साइड पर भी करेंगे। और अब मेरे ग्लू गन के इस्तेमाल की बारी है। कोने पर इस तरह ग्लू लगाएंगे, मैं नहीं चाहती कि गन मच जाए। इन फ्लैप्स को साथ में जोड़ देंगे, यहाँ पर एक होल करेंगे। मैंने बॉक्स को डायनासोर के सर की तरह काटा है, इसे ऊपर लगा देंगे। अब हमें इसे पेंट करना है। डायनासोर के लिए ग्रीन कलर परफेक्ट रहेगा और स्प्रे पेंट से ही जल्दी हो जाएगा। अभी और भी काम बाकी है। सर पर ग्लू लगाएंगे। अब इस पर ये नकलीला कार्डबोर्ड का पीस लगा देंगे। अच्छा लग रहा है। ऐसा ही बॉक्स के पीछे भी करेंगे, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक। और यहाँ पर इसकी पूंछ होगी। बस कुछ फिनिशिंग टचेस बाकी है। लो ट्राई करो स्वीटी। हे भगवान, मैं एक डायनासोर हूँ। रोर! दूर रहो, मैं आपको पकड़ लूंगी। बहुत डरावना है। मैं आज का दिन स्पा में बिताना चाहती थी, पर क्या ही कर सकते हैं। जरा ये ज्वेलरी तो देखो। एक समय था जब मेरे पास डायमंड और गोल्ड ब्रेसलेट होते थे। चीजें बहुत बदल गई हैं। ये भी बहुत सुंदर लगते हैं मॉम, आप हमेशा खूबसूरत लगती हो। तुम बहुत अच्छी हो। चलो मैं जा रही हूँ। बाय ग्रेस, आपका दिन अच्छा जाए मॉम। यही मौका है। मैं मॉम के ज्वेलरी बॉक्स पर रेड कर सकती हूँ। वो जरा ये देखो, मैं बिल्कुल मॉडल जैसी दिखूंगी। उनके पास और क्या है? जरा ये इयररिंग्स देखो और ये रिंग्स। वाओ, आखिरकार घर आ गए। मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ।
मॉम आ भी गई। ये ठीक नहीं हुआ। हाय ग्रेस, मैं घर आ गई। अब मैं आराम करना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ, ये तो गड़बड़ हो गई। मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाली हूँ। चलो भी, ये काम नहीं कर रहा। चलो आराम से करते हैं। परफेक्ट। हे, ये तो बहुत कूल है। मुझे नहीं पता था ये काम करेगा। मॉम, फिर उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि मैं यहाँ हूँ। जरा रुको, मैं कार्डबोर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ। यही तो चाहिए। इस पर हाथ रखते हैं। अब इसके आसपास ड्रॉ करेंगे। मुझे अपने हाथ की आउटलाइन चाहिए। बहुत बढ़िया बनेगा। मॉम हैरान हो जाएंगी। पहला पार्ट पूरा हुआ। अब इसे काट लेते हैं और इस पर ग्लू लगाते हैं। इसे हम पाम के ऊपर लगाएंगे। अच्छे से लगाएंगे। ये काफी है ना? अब इस पर हार्ट के शेप का एक और कार्डबोर्ड लगाएंगे और फिर इसे पेंट करेंगे। ऑरेंज कितना ब्राइट है, मुझे बहुत पसंद आया। इसे सूखने देंगे। अब एक कार्डबोर्ड के गोल पीस से एक बेस बनाएंगे। ये आखिरी चीज है। दो ताली। ओह, मैं मॉम को तो भूल ही गई थी। पूरा दिन ऐसे नहीं रह सकते, मेरे पास और भी काम है। तो चलो। एक्सक्यूज मी, बस हो गया। उप्स, मैं तो भूल ही गई थी। इतनी मेहनत कर मुझे भूख लग गई। मुझे स्नैक चाहिए और मैं जानती हूँ मुझे क्या खाना है। मॉम बुरा नहीं मानेंगी। लाओ दो। आप वैसे भी डाइट पर हो मॉम। मैं थक गई। चलो अब नॉर्मल हो जाए। हे मॉम, यहाँ क्या हो रहा है? जरा मेरे नेकलेसेस देखो। तुम ये कैसे कर सकती हो? घबराओ मत मॉम, सब काबू में है। ये क्या है? क्या ये मेरी ज्वेलरी के लिए है? अच्छा आइडिया है। मैं इस पर रिंग्स डाल देती हूँ। क्या बात है, इससे सब कुछ संभला हुआ रहेगा। विश्वास नहीं होता कि ये तुमने बनाया। तुम बहुत टैलेंटेड हो। हाँ मैं जानती हूँ, मतलब ये काफी काम का है ना? तुम्हें ट्रीट मिलनी चाहिए। हाँ, ये कैसे हुआ? अजीब है। थैंक्स मॉम। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। कितनी टेस्टी है, अब खाती हूँ। थैंक्स हनी, आओ गले लग जाओ। मैं बोर हो गई हूँ, ये बहुत जरूरी है क्लास। सनी? हाँ 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 बिल्कुल, ऐसा रोज होता है। ये क्या हो रहा है? ओ अच्छा, हाँ ये इतना भी बुरा नहीं है। सही पोस्टर में बैठना जरूरी है, कम से कम मैं अकेली नहीं हूँ। ऐसा करना सही नहीं है। मुझे ध्यान लगाने दो। ये गलत बात है। मॉम, क्या हुआ? ये देखो, मुझे ये मिल सकता है प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल। वो विश्वास ही नहीं होता। ये तुम्हारे लिए। वाह थैंक्स मॉम। ये क्या है? एक स्नो ग्लोब। मैं इसका क्या करूँगी? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे ये चाहिए था। मॉम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हैं? मैं हार नहीं मानूंगी, उन्हें बस थोड़ा मनाना पड़ेगा। मेहनत लगेगी। मुझे और फाइबर खाना चाहिए। हाँ बोलो। आपको ये चाहिए और मुझे ये चाहिए। ये कैसा मजाक है? ठीक है, मैं शांति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो ये टॉय शॉप तो बहुत बढ़िया है। मुझे प्रोफेशनली रहना चाहिए। हम ये ढूंढ रहे हैं, मेरी बेटी इस बारे में बोलती ही जाएगी। प्लीज बताओ तुम्हारे पास ये है? बिल्कुल, ये वहाँ पर है। सच में? वो ये तो सेल पर है। आज का दिन मेरे लिए लकी है। रुको, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? अरे नहीं, वो टॉय लगता है वो बिक गया। जितना इंतजार करोगे यही होगा, अगली बार कोशिश करना। नहीं तुम समझ नहीं रही, मुझे वो चाहिए। मुझे कुछ सोचना होगा। शायद मैं कार्डबोर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ क्या करना है। इस तरह कार्डबोर्ड के पीस को जॉइन कर देंगे। हमें एक बॉक्स बनाना है। अब कैंडी को इस होल में से डालेंगे। साइड में वुडन रॉड्स लगा देंगे। कार्डबोर्ड की लेयर्स को इस तरह काट कर चिपका दें। अब ऊपर की तरफ एक वुडन रॉड डालेंगे और रॉड के दोनों साइड पर रबर बैंड लगा देंगे। अब हम इसे बॉक्स में रख सकते हैं। ये होल वाले सेक्शन पर टिक जाएगा। रबर बैंड को लगा देंगे। अब दूसरी साइड की बारी। और
और अब हम इस पे कैंडी डालेंगे और जब हम कार्डबोर्ड को धकेलेंगे तो कैंडी उस होल में से निकल जाएगी। अब ऊपर की तरफ काम करेंगे, इस तरह एंगल पर लगाएंगे। अब फ्रंट पैनल लगा देंगे, बॉक्स के ऊपर रखेंगे और ढक्कन लगा देंगे। इसे कैंडी से भर देंगे। ये सनी के फेवरेट है, इसका चेहरा बना देते हैं। ये मजेदार दिखना चाहिए। ये काम किया, तुम्हें कैसा लगा सनी? वो ये तो गम बॉल मशीन है। नोज को प्रेस करो और देखो क्या होता है। ओह, मुझे ये पसंद आया। मुझे और चाहिए। मेरे लिए भी बचा लेना। मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकती। मॉम, क्या हुआ? ये देखो, मुझे चाहिए। पर मैं क्या ही करूं? तुम्हारी पेमेंट बाकी है। जरा रुको, शायद मेरे पास पैसे हैं। तुम ये स्प्रिंग लेते हो? माफ करना, मेरे पास यही है। नहीं, बहुत हुआ, चलो निकलो यहाँ से। स्ट्रिंग लेते हो? ये बेइज्जती वाली बात है। अब तुम्हें रहने के लिए नई जगह ढूंढनी होगी। ये आराम से बिक जाएगा। मुझे अपना काम पसंद है, लोग मुझे पसंद करते हैं। ये डेकोरेशंस कब हुई? यहाँ हुआ क्या है? घर बिकने पर लगा हुआ है। कैसे? हमें निकाल दिया गया? ये कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। कितना कबाड़ है। फिर हाँ, अब क्या करें? मॉम, ये क्या है? ओह, तुमने देख लिया? हमें घर बदलना होगा, ये तो बहुत बेकार है। एक सेकंड रुको, लगता है मैं जानती हूँ क्या करना है। हमें बस ये बॉक्सेस चाहिए, ये वाला यहाँ रखेंगे। अब मुझे अपनी ग्लू गन चाहिए। बॉक्स के ऊपर ग्लू लगा देंगे। अब इसके ऊपर एक और बॉक्स चिपकाएंगे। अब इसके साइड में भी ऊपर और बॉक्सेस रखेंगे। अब हमें एक कार्डबोर्ड ट्यूब चाहिए। बॉक्स के साइड में ग्लू लगाएंगे, इतना काफी है। अब ट्यूब को बॉक्सेस के ऊपर लगाएंगे। कुछ मिसिंग है, मैं समझ गई, ये इसकी रूफ होगी। फिट एकदम परफेक्ट है। अब इसे सजाएंगे, बस थोड़ी सी डिटेल से ये अलग दिखने लगेगा। अब इसके ऊपर टाइल लगा देंगे, मैंने ये लेमन कार्डबोर्ड से बनाया है। ये छोटे छोटे पॉम पॉम्स लगाएंगे, कितना मजेदार लग रहा है। ये कलरफुल होना चाहिए। और ये है फिनिशिंग टच, ये बन गया मेरा खुद का लेमनेड स्टैंड। ओह, मैं तो भूल ही गई, मुझे लेमनेड चाहिए। लगता है सब हो गया, मुझे बहुत खुशी है। अब रिबन काटते हैं। हमारी दुकान खुल गई है, अब हमें बस कस्टमर्स चाहिए। बहुत गर्मी है। हे, एक ग्लास दे देना, मुझे यही चाहिए। तुम्हारे सब घूमकर अच्छा लगा। वाओ, मुझे लेमनेड पसंद है। चलो हमें दो देना प्लीज। चलो भी पैसे ले लो, चलो हटो यहाँ से। मुझे 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 दो। वाओ, मैं अमीर हो गई। मॉम, ये देखो, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। बैंक लूटना कोई अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है। अरे चलो मैं दिखाती हूँ, मैंने एक लेमनेड स्टैंड खोला है। मुझे तुम पर गर्व है, तुमने कमाल कर दिया। रुको, हमारे पास कस्टमर्स आए हैं। ये तो बहुत है, आज का दिन बिजी होगा। अगला कौन है? तो क्लास, इसका जवाब कौन देना चाहेगा? मैं क्यों ना सनी दे। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप मुझे ही बुलाओगी। ओह, काफी ऊंचा है ये लो चौक। और बताओ, मैं सही ही बताऊंगी, सुनकर अच्छा लगा। ये सही जा रहा है, बहुत अच्छे हो गया। ये क्या है? टीचर, ये कोई मजाक है? हाँ, होगा ही, और कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने कैसा किया? मैं देखती हूँ, मतलब ये इंटरेस्टिंग है, पर इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे लगा आंसर 4 होगा। और ये क्या? ये नंबर 5 है। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं कैसे ठीक करूँ? समझ गए, पहले हमें कार्डबोर्ड का एक लंबा सा पीस चाहिए। अब इस पर हम नंबर्स ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब इन्हें काट देंगे और बीट से सजाएंगे। कितना कलरफुल हो गया।
अब हमें यही चाहिए। ये नंबर्स की स्टेंसिल है। वो काफी बढ़िया है, अच्छा आइडिया था। ये लो, ट्राई करो। मैं इसे बोर्ड के आगे लगाती हूँ, अब स्टेंसिल से नंबर्स ड्रॉ करेंगे। ये अब काफी आसान है, काश मेरे पास ये पहले से होता। मैं जानती थी ये काम करेगा। हो गया। बहुत अच्छा किया सनी, इसे A+ मिलना चाहिए। मुझे तुम पर गर्व है। वाह, सच में? वो जैसा कि तुम दोनों देख सकती हो, ये रहा एक डॉल हाउस और इसमें एक सोफा मिसिंग है, तो तुम्हें वही बनाना है। अच्छा, वो बनाना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? एक सेकंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, ये रहा काउच, मैं इसे नाप लेती हूँ। वो कहाँ चली गई? अजीब है। मैं ये काउच ओरिगामी से बनाऊंगी। पहले इसे कॉर्नर टू कॉर्नर फोल्ड करेंगे, अब इसे खोलकर दूसरे कॉर्नर्स के साथ भी ऐसा ही करेंगे। अब बीच के लाइन तक इन कॉर्नर्स को फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा खोलकर दोबारा करेंगे। अब इसे बीच तक ले आएंगे, अच्छे से क्रीज करना होगा। अब मैं दूसरी साइड भी ऐसा ही करूंगी। ये काफी अच्छा जा रहा है। और अब दूसरी साइड पर। अब हम आगे के स्टेप्स पर चलते हैं, बीच में और फोल्ड करेंगे और दोनों साइड्स पर भी। फोल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अब इसे खोलना होगा, पर अब मुझे बाकी के कॉर्नर्स को बीच तक फोल्ड करना है। और अब दोबारा वैसा ही बीच की सेंटर लाइन से, और अब वापस फोल्ड कर देंगे। इसे उल्टा कर दूसरी साइड पर भी ऐसा ही करें। अब ये बनना शुरू हो गया है। जी हाँ, इसे खोलें और फिर दोबारा फोल्ड कर दें। ये एक रेक्टेंगल जैसा होना चाहिए। अब इसे बॉक्स की तरह बनाने के लिए इसके कोनों को दोबारा फोल्ड करें और दूसरी तरफ भी। बहुत बढ़िया, मैंने एक और बना लिया। मैं इन बॉक्सेस को साथ में जोड़ दूंगी। हाँ, ये पार्ट पूरा हुआ। अब एक और पेपर का पीस लेते हैं, बिना क्रीज किए इसे बीच से फोल्ड कर दें और कोनों में लगा दें। सोफा की आर्म्स के लिए एक और। इस पर पिलोज भी होने चाहिए ना? टडा! ये कितना प्यारा है। ये रहा मेरा सोफा जादूगर, बहुत अच्छा किया। मुझे एक एक लाइन को नापना होगा। ठीक है, अब मैट की जरूरत है। वो अभी तक वापस ही नहीं आई। वो तो सो गई। खैर, मेरे रिजल्ट से मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये छोटे से काउच को इस डॉल हाउस के बीच में रख देती हूँ। अगला चैलेंज, मैं चाहता हूँ कि तुम ये बनाओ। ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। मैं पेपर से शुरू करूँगी। इस पेपर बोर्ड को बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? हाँ, हे भगवान, काश मैं असली बोट पर होती। नीले समुद्र के बीच, जिसमें मेरे बाल हवा से लहर रहे होते और ठंडी ठंडी हवाएं, कितना खूबसूरत नजारा होता। मैं अपनी पूरी गर्मियां बोट पर बिता सकती हूँ। वो फिर अपनी ख्वाबों की दुनिया में खो गई। लगता है वो गिरने वाली है, मुझे उसका ध्यान वापस लाना होगा। हाँ, क्या? हम ओरिगामी बोट्स बना रहे हैं। ओह हाँ, ठीक है, काम पर लग जाओ। मैं इसके कोनों को साथ में फोल्ड करने से शुरू करती हूँ। हाँ, बढ़िया लग रहा है, अच्छी शुरुआत है। अब मैं इसे घुमाकर दूसरे कोने तक ले जाऊंगी। ये एकदम अच्छे से होना चाहिए। हाँ, अब इसे खोलकर इसके कोने इस तरह फोल्ड करेंगे जैसे हम पेपर एयरप्लेन बनाते हैं ना, वैसा होगा, पर ये एयरप्लेन नहीं होगा। हमें इसे बोट बनाना है। मैं इस तरह इसे फोल्ड करूंगी। अब इसकी शेप बोट जैसी आ रही है, और अगर बोट नहीं तो कैप्टन की हाइट तो पक्का है। ठीक है, अगला स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है। हम इसे खोलेंगे और वापस इस तरह फोल्ड कर देंगे और इस कोने को इस तरह अंदर दबाएंगे ताकि ये फ्लैट हो जाए। अब वापस कोनों को मोड़ेंगे। देखो, मैंने कितना बढ़िया ट्रायंगल बनाया, पर अभी भी ये बोट नहीं बनी। इसे इस तरह घुमाना है और बस आखिरी स्टेप। वो देखो, मैंने इसे खोला और अब ये बोट बन गई। ये कितनी बढ़िया लग रही है ना, मुझे बहुत पसंद आई। अब हमारे पास दो बोट्स हैं। हमने कमाल कर दिया, दोनों ने बहुत अच्छा किया। तुम इस चैलेंज में पास होती हो। हे, एक सेकंड रुको, मेरे साथ आओ, हम ये ट्राई करेंगे। हे, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हाँ, तब भर गया है, तो तुम तैयार हो? देखो, ये तैर रही है, कितनी प्यारी है। ओह, वो तो गीली हो रही है। है तो बस ये पेपर ही ना।
मुझे अपना मैनिक्योर करते रहना चाहिए। ओ, तुम तैयार हो? ठीक है, ये तुम्हारा अगला चैलेंज है। फिंगर नेल्स, समझ गए, मुझे अपनी मैनिक्योर किट निकालनी चाहिए। देखते हैं, तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? ओह, ये ब्लू वाले सही रहेंगे, ये मेरे आउटफिट से भी मैच होते हैं। ठीक है, इन्हें ग्लू से चिपकाते हैं। हाँ, अब जरा इन्हें देखो, चैलेंज पूरा हुआ। क्या? नहीं, मैंने ऐसा कुछ करने को नहीं कहा। वाह, अपने नेल्स तो देखो जरा, मैं दोबारा ओरिगामी इस्तेमाल करूंगी। नीचे तक ले जाकर फोल्ड करेंगे। अब इस तरह एक और कोना, और इस तरफ से भी एक और ट्रायंगल बनाने के लिए, और अब आखिरी कॉर्नर, एक और ट्रायंगल बनाने के लिए, और अब आखिरी कोना भी। हाँ, अब हम इसे पूरा फोल्ड कर देंगे, और एक और बार, अब ये पूरा ट्रायंगल बन गया। बहुत अच्छे। हाँ, अब मैं इसे खोलूंगी और कोने को इस तरह फोल्ड कर दूंगी। अब इसे घुमाएंगे और आखिरी वाले को भी फोल्ड कर देंगे। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी फोल्डिंग है, पर अभी भी हमें शार्प क्रीसेस चाहिए, चाहे पेपर जितना मर्जी मोटा होता जाए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हम इसे इस तरह खोलेंगे और कोनों को मोड़ देंगे, पर हो गया। देखो, मैं इसमें अपने फिंगर डाल सकती हूँ। तारा, अब इन नेल्स को देखो। बहुत डरावना है, पर अच्छा काम किया। मेरे नेल्स अच्छे क्यों नहीं है? तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। जो भी है, तुम बहुत मतलबी हो। अगला चैलेंज क्या होगा? ये क्रेन्स है, ये तुम्हारा अगला चैलेंज है। मैं ये वाला कैसे कर सकती हूँ? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। मैं जानती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ये रहे मेरे ईयरबड्स, मैंने अपने कानों में लगाऊंगी, ये काम करेगा। प्लेलिस्ट शुरू करते हैं। हाँ, मजा आ रहा है, मैं ऐसे ही गाने सुनती हूँ। चलो फोल्डिंग शुरू करें। पहले इसे जैसे फोल्ड करते हैं वहीं से शुरू करूंगी, और अब दूसरे कोने भी, और अब इसके कोनों से कोने मिला देंगे। इसे अच्छे से दबा कर करें और फिर खोलें, और अब बाकी कोनों से भी ऐसा ही करें। हाँ, हम अब इसे खोलेंगे, और अब थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। जो हमने पहले फोल्ड किए थे उन्हीं के इस्तेमाल से हम ट्रायंगल बना देंगे। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके बीच तक मोड़ेंगे। बढ़िया, और अब दूसरे कोने भी। अब इस ऊपर के हिस्से को नीचे तक लाएंगे और फिर वापस ऊपर। इसे उल्टा करें और दोबारा वैसे ही मोड़ें। ठीक है, अब इसे सीधा करें और फिर खोलें, और फिर इसे दोबारा अंदर से फोल्ड कर दें। ये एक डायमंड की तरह दिखने लगेगा। हाँ, अब कोनों से दोबारा फोल्ड करें, अभी छोटा होता जा रहा है, क्रीसेस बनाते रहें। अब क्या करना है, इसे उल्टा करें और दोबारा वही करते रहें। मुझे अगला स्टेप बहुत पसंद है, ये मजेदार है। ये पैरों की तरह दिखने वाली चीज को भी फोल्ड करेंगे और फिर इसे नीचे ले आएंगे। अब ये बनना शुरू हो गया है। कैंची के इस्तेमाल से इसे बीच तक काटें। एक विंग ऐसे नीचे आएगा और दूसरा भी, और ये कटे हुए फ्लैप्स को इस तरह फोल्ड करें। एक, दो, तीन फोल्ड्स। हाँ, देखो, मैंने एक छोटा सा ओरिगामी क्रेन बना दिया, कितना प्यारा है। देखो, ये क्रेन डांस भी कर सकता है। ठीक है, तो वो दोबारा बहक गई। हे, तुम क्या कर रही हो? मेरी प्लेलिस्ट चल रही है, जरा सुनो। वाह, अब मैं समझी, तुम्हारी प्लेलिस्ट कितनी मजेदार है, मुझे भी फोल्ड करना शुरू करना चाहिए। वू, नाचो क्रेन। हाँ, मेरा क्रेन भी तैयार है, और नाचने के लिए भी। जरा इन्हें देखो तो सही, ये कितना जबरदस्त डांस करते हैं। वहाँ क्या चल रहा है? ये म्यूजिक की आवाज कैसी है? वू, मेरा भी डांस करने का मन कर गया। अब मैं बोर हो रही हूँ। ओह, वो जादूगर वापस आ गया, देखते हैं वो क्या लाया। अगला चैलेंज है ये फ्लावर, काम शुरू करो। ठीक है, शायद मैं जानती हूँ ये कैसे बनेगा। हाँ, उम्मीद है आप मेरी मदद कर पाएंगे, शुक्रिया। तो चलो यहाँ साइन कर दूँ। बढ़िया, और ये रहे आपके रोजेस, आपका दिन अच्छा हो। जादूगर, ये रहे मेरी रोजेस। क्या, मेरा मतलब इससे नहीं था, चलो भी। हाँ ठीक है, चलो मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये और थोड़ा सा यहाँ भी।
और अब इस कैंची की बारी। हाँ लगता है ये हो गया। टडा! ये क्या है? लगता है तुम इस चैलेंज में भी हार गई। अब मैं अपनी कैंची का कमाल कर कुछ बनाती हूँ, पर पहले पेपर फोल्ड करना होगा। हाँ मैं इस रूलर से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। हाँ अब इसे काटना शुरू करते हैं। अब मैं मार्क लाइन पर छोटे छोटे कट्स लगाती हूँ, एक कोने से दूसरे कोने तक। अब इसे खोलते हैं। ओह कितना कूल लग रहा है। अब यहाँ नीचे थोड़ी ग्लू लगाते हैं और अब इसे फोल्ड कर इसे ग्लू पर चिपका दें। अब हमें ग्रीन स्ट्रॉ और ग्लू चाहिए होगी। स्ट्रॉ के इस तरफ ग्लू लगाएंगे। जी हाँ अब स्ट्रॉ को पेपर पर लगा देंगे और अब पेपर को इस स्ट्रॉ के आसपास लपेट देंगे। करते रहो करते रहो करते रहो और अब एक और पेपर के साथ भी यही करेंगे। ये कितना अच्छा बन रहा है। हाँ मेरा फ्लावर बन गया। तो मैं समझ गया तुमने क्या किया। बहुत अच्छे। क्या? वो ठीक कह रहा है, काफी बढ़िया बना है। वो उदास लग रही है। हे देखो मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया। पर्पल वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। उनकी दोबारा दोस्ती हो गई।